हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो जैसा आपको थंबनेल से दिख रहा होगा कि आज से हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम 2021 के क्वेश्चन को देखेंगे। ऑलरेडी हमने 2015 तक 13, 14, 15 ये 3 साल का क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का डिस्कस कर दिया है, और हमने पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन 2023 तक डिस्कस कर दिया। हिस्ट्री का हमने 2021 तक पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। 2022 और 2023 का हिस्ट्री का बचा हुआ है, उसको भी हम कल कर लेंगे। और अभी हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 2021 का, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और हम जिस तरह से आपको डिस्कशन करवा रहे हैं उसी को ध्यान में रख के है जो है आपको डिस्कशन करना है, और ध्यान में रख के नोट्स बनाना है, ठीक है। तभी जाके आपका तैयारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करते हैं VYQ के थ्रू। क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटिंग नहीं करेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट करेगा अगर आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। 2021 का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2021 में टोटल जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है, वो कितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, राइट। चलिए तो हमारे पास 2021 का क्वेश्चन है, सेट ए है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कितना हिस्ट्री, कितना क्वेश्चन टोटल पूछा गया है, 19 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबको नमस्ते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये आया है इन्वायरमेंट से, उसके बाद ये देखिए एक क्वेश्चन उधर हो गया, 4 ये 5 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद 5 और 5 10 10 क्वेश्चन हो गया, 10 और 6 16 10 और 5 15 क्वेश्चन, 15 और नीचे आते रहिए, 15 और 1 16 क्वेश्चन, 16 1 17 1 18, ठीक है, और 1 19, ठीक है। 19 क्वेश्चन टोटल इन्वायरमेंट से दोस्तों आए हैं। आप समझ सकते हो कि अगर एक सब्जेक्ट से आपका 19 क्वेश्चन आ रहा है आउट ऑफ 100, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट का वेटेज है ना। मैंने आपको ऑलरेडी इसका थ्योरी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका काम ये है कि जो जो चीज़ बताई जाती है एक्स्ट्रा चीज़, आपको उसका नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। एक तरफ इंग्लिश PDF है, दूसरी तरफ हिंदी PDF है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से उसको पढ़ पाएँ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है द R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट्स ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखिए टोटल आते हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से आपका स्टैटिक अगर ठीक है तो आप 10 क्वेश्चन से ऊपर सही कर लेंगे, बाकी के 7-8 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका करंट अफेयर से लिंक होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अगर मान लीजिए 15 या 18 क्वेश्चन आए, उसमें से अगर आपको 10 क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपका तैयारी अच्छा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करंट के आएंगे तो उसका अगर आपने पढ़ा है तो बनेगा, नहीं तो कभी कभी UPSC इन्वायरमेंट इकोलॉजी में थोड़ा टफ पूछता है करंट अफेयर, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है दोनों का पेपर एक ही होता है, ठीक है। इसीलिए इन्वायरमेंट में जो करंट अफेयर पूछते हैं थोड़ा सा टफ पूछता है। तो नहीं भी बन रहा है कोई बात नहीं, स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी हम करंट जो है कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस किसके लिए है, ठीक है। तो देखिए उस समय 2021 के समय 2021 में ये न्यूज़ में था, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री था वो न्यूज़ में था, ठीक है। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है उसको डिफाइन किया, उसको परिभाषित किया SERI ने, SERI ने। SERI का फुल फॉर्म है सोशल एंड एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम फुल फॉर्म है, सोशल एंड एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट एक इंस्टीट्यूट है, एक NGO टाइप का है। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो रहता है उसमें किस तरह से हम लोग
उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है किस तरह से उसको रिसाइकलिंग हो, ताकि जो वर्कर हैं जो उसमें काम कर रहे हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रख पाएँ और इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख पाएँ। तो उसके लिए आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस दोस्तों डेवलप किया गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन के बारे में भी देखेंगे कि बाकी ऑप्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। पहला है, सेकंड है कि इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर, रामसर कन्वेंशन है तो उसके लिए तो अलग है, ऐसा तो नहीं आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस उसके लिए नहीं है। मैंने रामसर कन्वेंशन आपको पढ़ा है, वहाँ पे कहीं भी हमने आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस को जिक्र नहीं किया था, ठीक है। वहाँ पे हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात किए थे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब रामसर साइट का वो जगह जो बहुत ही खतरनाक हो चुका है, बहुत ही खतरे से ग्रस्त हो चुका है, जिसको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है, उसको हम लोग रामसर में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर में रखते हैं। बाकी रामसर कन्वेंशन मैंने पढ़ा दिया तो उससे तो आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में डायरेक्ट आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू देखना है कि बी वाला ऑप्शन तो भैया इसके बारे में तो नहीं है, इसलिए बी तो नहीं होगा। अब देखिए आपके पास तीन ही ऑप्शन बचा है, ए सी डी में से चुनना है। फिर नेक्स्ट बोला है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड, निम्नकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया चीज़ करने की ज़रूरत है, ये तो प्राचीन समय से हम लोग करते आ रहे हैं कि जो भी खराब पड़ा ज़मीन है उसमें किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़िया करेंगे सस्टेनेबल ज़मीन से, है ना, ये तो कर रहे हैं। इसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है या ग्रीन एग्रीकल्चर का नाम हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ये सब होता है। तो आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस तो उसी से संबंधित नहीं हो सकता है, तो लॉजिक तो यही बोलता है ना। हमें हर बार बताया कि आपको हर क्वेश्चन में आपको एल ओ पी को जरूर अप्लाई करना है, एल ओ पी मतलब लॉजिक ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो ये नहीं हो गया। फिर बोला इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ई आई ए जो टॉपिक है दोस्तों ये आपका मेंस का टॉपिक है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो मेंस का टॉपिक है, फिर भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में थोड़ा थोड़ा इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और कहीं भी जिक्र नहीं है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है। इसमें अलग अलग हम लोग जरूर बांटते हैं इंडस्ट्री को ए वन में, बी वन कैटेगरी, बी टू कैटेगरी में, तो वो हम देखेंगे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में, ठीक है, जिसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस से, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अगर आपको ऑप्शन बी सी डी के बारे में जानकारी था कि भाई बी सी डी तो नहीं है, तो डायरेक्टली जो है आंसर आपका ए निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार आपका होगा एग्जाम में कि आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं होगा लेकिन ऑप्शन के बारे में आपको पता होगा, तो अपने पे विश्वास करके आपको ऑप्शन टिक करना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन जो था भले आपको देखने में टफ लग रहा है लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू उसको बनाएंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आ गया सबको। इसलिए 16 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए, बाकी हमने आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और यूपीएससी का भाषा भी पकड़ना है इसलिए मैं पी वाई क्यू आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लैंग्वेज पकड़ो। फिर बोल रहा है वाई इज़ देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के संबंध में चिंता का कारण क्या है। देखिए कॉपर स्मेल्टिंग में क्या होता है, कॉपर का जो ओर होता है, अयस्क होता है, उसको हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। इतना अगर पता है कि कॉपर तो भैया बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म होगा, नॉर्मल तो नहीं है, लकड़ी है जला दो तुरंत गर्म हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो बोल रहा है दे में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। ये बताइए कॉपर अगर जलाओगे बहुत हाई टेम्परेचर पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसे निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलता है जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, तब इनकम्प्लीट कम्बशन जब ज्वलन है पूरा कम्प्लीट नहीं होता है तब जाके इन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यहाँ तो आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो तो जब हाई टेम्परेचर पे करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, चांस ही नहीं है निकलने का, और निकलेगा भी तो लीथल अमाउंट नहीं निकलेगा, लीथल का मतलब होता है बहुत ही घातक मात्रा में, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जनरली आपको पता है ये क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत तेज़ी से घुल जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से घुल जाता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, जिसके कारण क्या होता है ये ब्लड में घुलने के कारण ऑक्सीजन का जो लेने का क्षमता है ब्लड का वो घट जाता है, ठीक है, और इससे हमको क्या होता है दिक्कत भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली अगर आपका 70 ppm से ऊपर अगर है तो इससे आपको सर दर्द, हेडेक हो सकता है, थकावट हो सकता है, फैटिक हो सकता है, बॉडी दर्द हो सकता है और थोड़ा उल्टी टाइप का बेचैनी लग सकता है। लेकिन अगर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 150 से 200 ppm क्रॉस करता है तब ये बहुत ही खतरनाक बन जाता है, इसमें आदमी बेहोश हो जाता है, वो चल ठीक से नहीं पाता है, डिसओरिएंटेशन होता है, फाइनली उसका डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो और वो तब निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तब,
हाँ, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड घुलने का क्षमता ज़्यादा है, एफिनिटी ज़्यादा है, एफिनिटी मतलब मिलने का, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी से ब्लड में घुल जाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट चूँकि हाई टेम्परेचर पे हीटिंग हो रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया एक तो निकलेगा भी, वो भी लीथल लिख दिया, लीथल मतलब घातक मात्रा में, घातक होता है 150 से 200 PPM के आसपास, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बात समझ में आया, क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि द कॉपर स्लैग कैन काउच द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इंटू इन्वायरमेंट। आपको पता है कॉपर का जो ओर होता है, कॉपर का अयस्क होता है, उसके साथ बहुत ही हैवी मेटल मिलते हैं, पत्थर मिलता है ना, पत्थर से ही कॉपर मिलता है, ठीक है, मेटालिक ओर से। तो उसमें क्या होता है, कुछ हैवी मेटल हो सकता है, तो जब उसको कॉपर का जो स्लैग, कॉपर का स्लैग मतलब कॉपर बनने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग ताम्रमल, मल क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ताम्र मतलब क्या, कॉपर बनने के बाद जो वेस्ट निकलता है, कॉपर स्लैग बोलते हैं उसको, उसके कारण उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, तो उसमें कारण लीचिंग तो हो सकता है ना। लीचिंग मतलब क्या होता है, जो हैवी मेटल है वो मिट्टी में, इन्वायरमेंट में जा सकता है, लीचिंग हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल के चीज़ है, होगा ही। फिर तो बोला देव में काउज सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए जो पत्थर बना है तो उसमें सल्फर तो था, सल्फर था ना, कॉपर पाइराइट होता है, CuFeS2, कॉपर का और होता है, तो सल्फर तो है, तो सल्फर जब जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, गर्म करोगे ना कॉपर में, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, तो कौन सा नया चीज़ है इसमें, ठीक है। तो आंसर सही है ये, ठीक है। तो आंसर क्या है, 2 और 3, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है, और ये कोई आप नया नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चा बच्चा से आप याद कर रहे हैं कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तभी होता है, बात समझे। ये बताइए आपने सब पढ़ा है ना, बच्चे बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 8 9 10 में, ठीक है। तो कॉपर का जो प्लांट होता है स्मेल्टिंग जब करते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सारा हम लोग को चीज़ निकलता है, जैसे कॉपर निकला, आयरन निकला, फ्लोराइड निकलता है, आर्सेनिक निकलता है, लीड निकलता है, मरकरी निकलता है, कैडमियम निकलता है, जिंक निकलता है, एंटीमनी निकलता है, ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्ट इससे निकलता है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन टफ था बताइए, बस थोड़ा सा सोचना था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलेगा, बस इतना अगर पता है तो बाकी आंसर आपका निकल जाता है। और UPSC का भाषा देखिए, लीथल लिख दिया है, लीथल मतलब बहुत खतरनाक, अगर लिखता कि नहीं थोड़ा सा निकलता है तो हम बोल भी हाँ चलो भाई थोड़ा थोड़ा निकलता होगा, लेकिन लीथल मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, घातक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। फर्नेस ऑयल मतलब होता है भट्टी तेल, भट्टी तेल मतलब भट्टी, भट्टी मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीज़ गर्म होता है, तो जब भी हम कच्चा तेल निकालते हैं तो उसको भट्टी में गर्म करते हैं, तो उसी को हम लोग फर्नेस बोलते हैं। और आपको पता है इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन करवाते हैं, जिसमें अलग अलग टेम्परे हम लोग मतलब हीट करते रहते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो उसी कारण क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, और सबसे लास्ट में जो है आपको मतलब बेकार सबसे घटिया जो है तेल निकलता है, जिसको बोलते हैं भट्टी तेल, जो बच जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें आपको पूरा काला कलर का होगा ये, ठीक है। इसको जब जलाओगे तो खूब सारा पोल्यूशन भी होगा, आपने सुना है ना पेट कोक, तो पेट्रोलियम का जो फर्नेस ऑयल है उसी को हम लोग सुखा के पेट कोक बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम कोक जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इसीलिए भारत सरकार इसको सस्ता, जो कि सस्ता मिलता है, इसलिए विदेश से इंपोर्ट करती है, लेकिन NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने रोक लगा दिया कि पेट कोक भी यूज़ नहीं करना है, और आपका जो है भट्टी वाला तेल भी है वो भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है ये, ठीक है, समझ। और ऑयल रिफाइनरी जब हम करते हैं तो लास्ट में ये सब चीज़ बनता है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्नेस ऑयल है उसको अलग अलग चीज़ में मिला के, पेट्रोल डीजल में मिला के अलग अलग चीज़ बनाते हैं, जैसे ग्रीस है, ग्रीस समझते हो कितना मोटा होता है, उसमें भी क्या फर्नेस ऑयल ये सब मिला हुआ है, राइट। तो बोला इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था फर्नेस मतलब क्या होता है, भट्टी, भट्टी में गर्म करोगे, तो ऑयल रिफाइनरी में भी हम लोग क्या करते हैं, गर्म, तो लॉजिक क्या बोलता है, हमने हर बार बोला है कि हमेशा हर क्वेश्चन में आपको LOP जरूर अप्लाई करें, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल। तो जब फर्नेस ऑयल आपको दिख रहा है, भट्टी में क्या होगा, ईंटा का भट्टी में क्या होता है, ईंटा को पकाया जाता है, तो ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, तेल को हम लोग गर्म करते हैं ताकि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ हमको निकले, पेट्रोल डीजल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, तो जाहिर सी बात है फर्नेस ऑयल उसी में निकलता होगा, ये सही है। फिर बोला सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, ये बताइए तेल है तो तेल का आप पावर में जनरेट करने के लिए कर सकते हो ना, केरोसिन तेल से आप जला सकते हो, पेट्रोल गाड़ी में यूज करते हो, उसी तरह तेल है तो तेल जलाओगे तो ऊर्जा तो मिलेगा ही, इसमें कौन सा नया बात है, ये तो लॉजिक ही बोल रहा है। फिर बोल रहा है इट कैन काउज सल्फर इमिशंस, और लास्ट में है, अब देखो
हमको जो बना हुआ है क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सब कैसे बनता है, ये सब बनता है डेड प्लांट और एनिमल से के फोसिल से, है ना। और उस फोसिल में सल्फर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो जब जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सल्फर एमिशंस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये भी सही है, कौन सा इसमें नया बात है। तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए, 1, 2 एंड 3 बताइए। क्वेश्चन टफ था, इतना आसान एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, है कि नहीं था। बस समझना था कि फर्नेस ऑयल होता क्या है, और वो भी आपको ऑप्शन में, इसीलिए हमेशा आप एलओपी को ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो सर लोग इसलिए इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ सस्ता होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए, मेरी भी तबीयत ख़राब थी लेकिन हमने अभी तुलसी का जो होता है ना लिक्विड, नहीं होता है तुलसी अर्क जो बोलते हैं, उसको भी लिया तो एकदम अच्छा है। एकदम चाय में डालते हैं 2-3, 10-12 बूंद, वो अब चाय पीजिए पानी जैसा गर्म करके, तो बहुत रेस्ट मिलता है। और माइंड भी फ्रेश होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल यूज नहीं होता है, क्रूड ऑयल अलग है, वो पाल्मोलिन ऑयल है। पाल्मोलिन ऑयल जो आपका पाम ऑयल वो होता है, वही पाल्मोलिन ऑयल है, बहुत ही खतरनाक होता है सेहत के लिए, ठीक है। वनस्पति जो तेल बोलते हैं ना वही। क्रूड ऑयल कैसे है, क्रूड ऑयल से बिस्किट थोड़ी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, जो बाबा रामदेव बोलते थे कि पाम ऑयल नहीं डालना चाहिए, बहुत ही खतरनाक होता है, वही आप पतंजलि का बिस्किट खोलिए तो आपको पीछे लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें पाम ऑयल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, ठीक है। जिसका प्रमोट कर रहे हो, जिसका विरोध में आप बोल रहे हो, वही चीज़ आप बना के बिस्किट बना के बेच रहे हो, तभी तो सुप्रीम कोर्ट डंडा किया ना बाबा रामदेव को। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज ए ब्लू कार्बन, ठीक है। ब्लू कार्बन क्या है, एक योगी को कभी भी भोगी नहीं होना चाहिए। अब योगी हैं, योग सिखाइए, बिजनेस में कहाँ उतर गए आप, तो बिजनेस में कीजिए तो आप थोड़ा एथिकल तरह से कीजिए ना। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन को ओशियन या कोस्टल इकोसिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, उसको बोलते हैं। जैसे प्लांट और एनिमल, प्लांट जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन कार्बन। क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन, क्योंकि पेड़ पौधा हरा भरा होता है। जो चीज़ को समुद्र एब्जॉर्ब कर लेता है, ओशियन मैंग्रोव, ओशियन एब्जॉर्ब कर लेता है, मैंग्रोव एब्जॉर्ब कर लेता है, या नमक का जो खेत है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लू कार्बन, ठीक है। एग्रीकल्चर सोइल या फॉरेस्ट बायोमास, ये क्या है, ग्रीन कार्बन, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये कौन सा कार्बन है बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रे कार्बन, ग्रे कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में किस चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है ना। तो वो भी कार्बन को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं ग्रे कार्बन, भूरा कार्बन, ठीक है। वही जब हम जलाते हैं तो यही कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। वही जब हम पेड़ पौधा काट देते हैं तो जो भी CO2 एब्जॉर्ब था प्लांट में वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। वही जब ओशियन गर्म हो जाता है तो जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको कार्बन, ये लोग को हम लोग कार्बन सिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक, क्योंकि जिस तरह से हम सिंक में पानी, सिंक में क्या होता है, सिंक मतलब अंदर चला जाना, डूब जाना। तो जो ये ओशियन है या कोस्टल इको सिस्टम है, मैंग्रोव है, सॉल्ट का मार्स है, दलदल एरिया है, या एग्रीकल्चर क्रॉप है, फॉरेस्ट है, वो सारा चीज़ क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको कार्बन सिंक बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। सिंक का स्पेलिंग है SINK, ठीक, समझ में आ गया। और अब याद रखिए कि जितना भी आपको ऑक्सीजन मिल, ये जितना भी आपको ऑक्सीजन मिलता है उसका 50% ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलता है, जानते हैं, ओशियन से। याद रहिए, याद रखिएगा, ओशियन से मतलब ओशियन में जो फाइटोप्लैंक्टन है, पेड़ पौधा है, वो आपको ऑक्सीजन देता है। पूरे विश्व का 50% से ऊपर ऑक्सीजन ओशियन से मिलता है, ठीक है। क्लियर, चार ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया। और हमारा जो ओशियन है वो सबसे ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है,
इसीलिए जब हम पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए हम ओशियन सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जो भी CO2 एब्जॉर्ब हुआ होगा ओशियन में, उस मार्स में, उसके बाद मैंग्रोव में, सभी ओशियन में ही आते हैं, कोस्टल इको सिस्टम ही है सब, तो उसके कारण हमारा CO2 जो है निकलने लगेगा गर्म होने के कारण, या पेड़ पौधा नष्ट होगा ओशियन में तब, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 19 का ए है ऑप्शन, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जो ओशियन होता है वो ज़मीन के तुलना में ज़्यादा CO2 को तेज़ी से एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन नुकसान खतरा ये है कि गर्म होगा तो वही CO2 जो एब्जॉर्ब किया है ओशियन वही एटमॉस्फेयर में निकल भी जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस गैस होगा, सभी पाउंड इको सिस्टम सभी आएगा आपका वाटर इको सिस्टम के अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सर्फेस विदाउट सॉइल। बोल रहा है प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना सर्वाधिक संभावना है, मतलब कौन मीठा मिट्टी के जो है जीवित रह सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखो मशरूम, ये बताइए मशरूम के लिए मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, गोबर ऊबर में उगता है पेड़ पौधा मशरूम, और कोई भी प्लांट जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना उसको जीवित रहने के लिए मिट्टी, मिट्टी क्या होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सही है, टू जो बोल रहे हैं टू ओनली, ये सही है। फर्न आपको पता है, फर्न मतलब, फर्न जो होता है वैस्कुलर प्लांट होता है, आप देखे होंगे ऐसा पत्ता होता है, पत्ता होगा छोटा छोटा इस टाइप के, छोटा छोटा पत्ता होगा, है ना, और सॉफ्ट होता है, फर्न बोलते हैं, इसके लिए भी मिट्टी चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर लाइकेन, आपको पता है लाइकेन जो है इसको पायनियर स्पीसीज भी बोलते हैं, मैंने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसमें हमने दो बात किया था प्राइमरी सक्सेशन में, तो प्राइमरी सक्सेशन हमने बात किया था कि लाइकेन जो आता है किसी जगह पे पहली बार आता है, लाइकेन क्या होता है अल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, अल्गी प्लस फंगस मतलब कवक और शैवाल का जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जहाँ पे अल्गी जो है वो खाना बना के फंगस को देता है और फंगस जो होता है बदले में इसको सुरक्षा देता है और केमिकल ये सब जनरेट करता है, उसी केमिकल के द्वारा बड़ा बड़ा जो पत्थर है वो छोटे छोटे में टूटता है और मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो मिट्टी के निर्माण में सहायक करता है लाइकेन, इसका मतलब बिना मिट्टी के लाइकेन हो जाएगा। उसके बाद जो मॉस होता है दोस्तों, मॉस ऐसा प्लांट है, प्लांट ही होता है लेकिन ये फ्लावर इसमें नहीं होता है, फूल ये नहीं देते हैं, बहुत सारे पौधा आपने देखा होगा जिसमें फूल नहीं होता, उसको हम लोग मॉस बोलते हैं, काई टाइप समझ लीजिए। तो काई आप देखे होंगे, काई भी हटाते हैं तो नीचे से क्या निकलता है मिट्टी, मतलब मिट्टी पे ही काई जो है जन्मता है, तो ठीक है इसमें से क्या है आंसर हमारा, टू ही हमारा सही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस समझना था ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सक्सेशन से रिलेटेड था, आसानी से समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो बाकी हमने चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, पाइनियर स्पीसीज बता दिया, तो सबसे पहले आपको पता है कि पाइनियर स्पीसीज कहीं आता है, और उसके बाद लास्ट में कौन सा स्पीसीज होता है, क्लाइमेक्स स्पीसीज, और बीच वाले स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरल कम्युनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरल कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू ओनली। चलो आगे देखते हैं, तो UPSC का क्वेश्चन जो है आसान होता है, आप खाली अगर डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो आप टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आप LOP को अप्लाई करेंगे, लॉजिक को, ऑब्जर्वेशन को और प्रैक्टिकल चीज़ को, तो आपको आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है, प्राकृतिक मच्छर प्राकृतिक प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। सबसे पहले नाम से देखिए, बोल रहा है कांग्रेस ग्रास, कोई नाम से पता कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है। एलिफेंट ग्रास, आपको एलिफेंट ग्रास के बारे में हमने पढ़ाया था कि जो सवाना ग्रासलैंड होता है उसमें बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधा उगते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा घास उगता है जिसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, बहुत ही लंबा लंबा होता है, और ये घास जो होता है वो उस एरिया का मिट्टी का उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। एलिफेंट ग्रास को हम लोग नेपियर ग्रास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेपियर ग्रास, अफ्रीका के ग्रासलैंड में ही पाया जाता है। इसके लिए बहुत ही कम पानी चाहिए, पानी बहुत कम लेता है और ख़राब मिट्टी में ही ये उग जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ट्राइबल लोग उस एरिया में रहने वाले ये इसको खाते भी हैं इस घास को, इसीलिए चूँकि वहाँ पर भूखमरी भी होता है इसलिए इसको फेमिन फूड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेमिन फूड, इसलिए एलिफेंट ग्रास नहीं होगा, ये हो गया हमारा। अब देखो लेमन ग्रास, लेमन क्या होता है, नींबू, आपको पता है नींबू एंटी आपका बैक्टीरियल होता है ना, तो
कोई चीज़ नाम पड़ा होगा तभी तो अच्छा अच्छा होगा, तभी तो वो चीज़ रखा गया ना नाम, है ना। जैसे बोले रखा गया मान लो स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी, तो ये जो मंकी होता होगा वो स्पाइडर जैसा चिपक जाता होगा तभी तो स्पाइडर मंकी नाम रखा गया। जैसे लायन टेल्ड मकाक है, तो इसका जो बंदर है मकाक है उसका लायन टेल होगा तभी ना। तो उसी तरह से अगर कोई चीज़ रखा गया है भैया एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट में क्या होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तभी तो बड़ा बड़ा घास को बोला गया नेपियर ग्रास, या इसको फेमिन फूड भी हम लोग बोलते हैं, क्लियर। कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास जो है वो एक इन्वेसिव स्पीसीज है, एक घास है जो उस एरिया का ख़राब कर देता है, इसको हम लोग गाजर ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाजर घास भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भुखमरी वाले एरिया को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ पे अलग मिट्टी का उर्वरता को ख़राब कर देता है, ठीक है। जब बाहर से गेहूं लाया गया था तो साथ में ये भी आ गया था और उस एरिया को पूरा ख़त्म कर दिया। इसको ये एक तरह का वीड है, फेमिन फेमिन वीड, वीड मतलब खरपतवार है ये, और बहुत ही नुकसान है, ठीक है। इसको गाजर ग्रास या फिर कैरेट ग्रास भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कैरेट ग्रास उगता है, कांग्रेस ग्रास उगता है, वहाँ पे मच्छर उत्पन्न होता है, ठीक है। मच्छर उत्पन्न करने में ये मदद करता है, ठीक है। क्या कांग्रेस ग्रास इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, मतलब उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी को ये नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके प्लांट से एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एलिलोपैथिक केमिकल, एलिलोपैथिक केमिकल। कुछ केमिकल्स निकलता है जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और अगल बगल वाले प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह नीम है, तो आपने देखे होंगे नीम के अगल बगल जो है कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है, क्यों? क्योंकि नीम में कुछ कीड़ा कुछ केमिकल्स निकलता है नीम से जो अगल बगल वाले पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप देखे होंगे नीम का जहाँ पौधा होता है उसका ज़मीन पे आपको कुछ अगल बगल नहीं दिखेगा, ठीक है। कांग्रेस ग्रास जो है वो सॉइल का फर्टिलिटी को ख़राब पहुँच करता है, वहीं जो एलिफेंट ग्रास है सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक करता है। मिट्टी के सॉइल का जो इरोजन है, मिट्टी का जो अपरदन है, उसको भी कम करता है एलिफेंट ग्रास, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है ए और बी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लेमन ग्रास की बात करेंगे तो लेमन ग्रास नाम से ही पता चल रहा है मच्छर को दूर करने में काम आता है, ठीक है, और कीड़ा मकोड़ा को दूर करने में इसका काम किया जाता है, ये सही है। नट ग्रास क्या होता है? कुछ घास होता है जिसमें कुछ नट टाइप का दिखता है आपको, ठीक है। नट मतलब क्या होता है? जैसे ग्राउंड नट दाना टाइप का आपको दिखेगा, ये आपको यूरोप अफ्रीका और एशिया में दोस्तों ये आपको मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे आदिवासी लोग जो उस एरिया में रहते हैं ट्राइबल लोग, वो उसको खाते भी हैं, ठीक है, समझ गए ना। खाने के रूप में भी मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है बहुत ज़्यादा, क्लियर। और आयुर्वेद में भी और चाइना के मेडिसिन में भी ये यूज किया जाता है, वहीं एलिफेंट ग्रास का भी प्रयोग ये सब किया जाता है, लेमन ग्रास का भी किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो 21 का आंसर हो गया सी। हमने आपको डिटेल में चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। कल वो अगर यूपीएससी आपको कांग्रेस ग्रास के बारे में पूछे या एलिफेंट ग्रास के बारे में पूछे या नट ग्रास के बारे में पूछे, तो हमने आपको इतना बता दिया कि आप आसानी से क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एलिफेंट ग्रास तो हमने पढ़ाया ही आपको, कांग्रेस ग्रास नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि मच्छर को दूर करेगा, तो मच्छर दूर करेगा तो नींबू अब आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट टाइप का या फिर एंटीबैक्टीरियल ये सब होता है, तो उसके कारण मारेगा ना मच्छर को, नाम है तभी तो, है ना। चलिए और जब भी कोई देसी नाम टाइप का हो ऑप्शन में तो आप समझ लो कि अब देखो मच्छर बनाने के लिए हम लोग घास वास जलाते हैं ना कभी कभी, नीम जला दिया ये जला दिया, तो लेमन ग्रास भी आप यूज कर सकते हो, राइट। तभी तो आप देखते हो ना जो स्प्रे वस्प्रे होता है उसमें नींबू का स्मेल होता है ये सब, क्यों? क्योंकि मच्छर वच्छर जो है उसको भाग जाएगा सूंघ सांघ के, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है जितने लोग हैं उससे रिक्वेस्ट है कि अभी देखो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो तुलसी पत्ता तो सबके यहाँ होगा अगल बगल, ठीक है, सबके जगह तुलसी पत्ता ये सब होगा, तो सब जो है जनरली संडे को और शायद गुरुवार को तुलसी पत्ता, तुलसी का जो पौधा है उसका पत्ता तोड़ते नहीं है, बाकी चीज दिन में आप तुलसी का पत्ता जो है एक दो पानी के साथ खा सकते हैं, उसको निगलना पड़ता है, ठीक है, उसको जो है
चबाना नहीं पड़ता, जिससे आपका इम्यूनिटी ठीक होगा। काढ़ा वाढ़ा बना के पियेंगे, ये सब ठीक रहेगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम का समय है इसलिए अपने को अच्छा रखिए, क्योंकि एक या दो दिन भी बीमार पड़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, ज़्यादा कोशिश करो कि गर्म गर्म पानी भी थोड़ा थोड़ा पिया करो, हमेशा नहीं क्योंकि गर्मी का समय है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी पीने से गला वाला फ्रेश रहता है, ठीक है। और जो ठंडा एरिया में रहता है वो अपना आराम से गर्म पानी सालों भर पी सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो नेक्स्ट बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे को जानवर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जानवर को देख के हड़बड़ाना नहीं है, राइट, ठीक है। सबसे पहले देखना है, देखो कोप पोड्स, पोड का मतलब होता है पैर, क्या होता है जैसे आर्थ्रोपोडा, तो अगर किसी के पास पैर है तो भाई वो खाना खुद बना लेगा ना अपना, बताइए, चल चल के नहीं बना लेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, जैसे आर्थ्रोपोडा है तो ये सब खाना खुद नहीं बना पाएगा, ये दूसरे को खाता है। खाना कौन दूसरे को, क्योंकि चल चल के खाएगा ना, खुद खाना नहीं बना पाएगा, आर्थ्रोपोडा है वो भी चल चल के दूसरे को खा लेगा। पेड़ पौधा का पैर नहीं होता है तो वहीं पे वो खाना अपना खुद बनाना पड़ेगा उसको, तभी तो खाएगा। उसी तरह से डाई एटम भी है इसका, ये भी पानी के साथ फ्लोट होते रहता है, इसीलिए ये भी खाना खुद बनाएगा। और साइनोबैक्टीरिया तो आपको पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये सारा चीज़ खुद अपना बना लेते हैं, ये है ना। और ये सब किसका है, ये सब जो साइनोबैक्टीरिया हो गया, डाई एटम्स हो गया, ये सब फाइटोप्लैंकटन इनको कहा जाता है। जो आप समुद्र का खाद्य श्रृंखला देखते हैं, फूड चेन देखते हैं, खाद्य फूड चेन, ठीक है, समुद्र में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंकटन होता है, फिर उसको कौन खाता है, जूप्लैंकटन, फिर जूप्लैंकटन को कौन खाता है, हेरिंग्स खाता है, ठीक है, छोटे फिश, फिर बड़े फिश खाते हैं, इस तरह से होता है। तो जो फाइटोप्लैंकटन होता है दोस्तों, वो खाना अपना खुद बनाता है। जिस तरह समुद्र में, जिस तरह ज़मीन में हम लोग का प्लांट होता है, उसी तरह समुद्र में और वाटर का फूड चेन में, एक्वाटिक फूड चेन में हम लोग का क्या होता है, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन जो होता है सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, वो खाना खुद बनाता है। और वो रहता कहाँ है, तो चूंकि वो खाना बना रहा है खुद से, इसलिए उसको सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, इसीलिए पानी अगर है तो पानी के बीच सरफेस में, मतलब पानी के टॉप सरफेस में भी रहता है, जहाँ पे उसको सूर्य का प्रकाश ये सब मिलता रहे। फोटिक जोन में रहता है, किसमें, फोटिक जोन, फोटिक जोन मतलब जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़े, ताकि वो सूर्य के प्रकाश की मदद से खाना बना ले, ठीक है। क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो सरफेस पे रहेगा तभी तो एटमॉस्फेयर से CO2 उसको मिल जाएगा ना, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वो कर पाएगा, ठीक है। अगर फाइटोप्लैंकटन नहीं होगा तो सी का फूड चेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फाइटोप्लैंकटन से ही आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो आप कुछ फाइटोप्लैंकटन का एग्जाम्पल जो है आप लिख लीजिए, जैसे कि हमारे पास मैंने आपको बताया डाई एटम्स है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये सब आप देख लीजिए, राइट। तो आंसर तो इसका निकल गया है, ये और ये कोपेपोड्स नहीं होगा। कोपेपोड जो होता है वो छोटा क्रस्टेशियन टाइप होता है, केकड़ा उकड़ा टाइप होता है, ये दूसरे को खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक जो है उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सब हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और ये आपको हर जनरली हर सभी जो ताज़ा पानी का जो या खारा पानी का ये होता है, दोनों में आपको मिल जाएगा कोपेपोड्स, ठीक है। आपका काम ये है कि कोपेपोड्स का एग्जाम्पल को देखना, ढूंढना कौन कौन सा एग्जाम्पल कोपेपोड का है, वो आपका काम है, होमवर्क में आप ये कीजिएगा, ठीक है। जो फोरामिनिफेरा है, फोरामिनिफेरा ये दोस्तों, ये भी आपका फोटिक जोन में ही रहता है, ये भी आपको खाना खुद नहीं बना पाता है, ये क्या करता है, दूसरे का बना हुआ खाना को खा लेता है, ठीक है। और उसके अपने प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म समझते हैं, ये सब मैंने बायोटेक में आपको पढ़ाया था, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, उसमें जो है ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक। तो जो फोरामिनिफेरा है वो भी खाना नहीं बना पाता, तो आंसर क्या है, 2 और 3, ठीक है। अगर आपको ये भी पता था कि भाई डाई एटम तो होगा ही, तो मतलब 3 होगा, तो आपको 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर आपको पता ही है फोरामिनिफेरा के, और हमने साइनोबैक्टीरिया को वही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और एल्गी है वो खाना खुद बना लेगा, तो 2 और 3 निकल गया आपका आंसर, सिंपल है ना। हाँ, हेटरोडॉक्स है कोपेपोड्स, और फोरामिनिफेरा क्या है, हेटरोडॉक्स, जो खाना जो है वो दूसरे पे डिपेंड होकर बनाता है।
ठीक है, हेटरोट्रॉप, हेटरोडॉक्स नहीं, हेटरोट्रॉप। और 2 एंड 3 जो ऑप्शन है वो ऑटोट्रॉप है, स्वयंपोषी। ठीक है, समझ गए, सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया, और कौन कहाँ रहता है ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, और जो फोरमेनिफेरा है दोस्तों, ये आपका मैरीन इकोसिस्टम में रहता है। कहाँ रहता है? मैरीन इकोसिस्टम में, मतलब समुद्री वाला जगह में। चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये आपको एक बुक में मिलेगा नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं ये सब आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप ये लोगों को नोट कीजिएगा, आपको मदद करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, एक तरफ है हेज हॉग, मारमट, पेंगोलिन। ठीक है, मारमट तो सब देखे होंगे, नाम से ही देखो सैल मूसक लिखा हुआ है। सैल मतलब क्या होता है? पत्थर, और मूसक मतलब क्या होता है बताओ? चूहा। ठीक है, सिंपल, इसीलिए ही विवेक रॉय, अभी रुक जाइए, आप तुरंत आंसर मत बताइए। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ आपको आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कि 23 का डी होगा, 22 का आपका बी होगा, वो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, एक एक ऑप्शन को जो है हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं पूछ रहे हैं कि 23 का क्या होगा बताइए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, यहाँ पे हम आपको लॉजिक सिखा रहे हैं कि जब आपको नहीं भी पता हो तो आप किस तरह से अपने लिमिटेड नॉलेज का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हमेशा LOP को अप्लाई करो। यहाँ देखो सैल मूसक लिखा हुआ है, सैल मूसा मूसक मतलब क्या होता है? चूहा। इतना क्लियर है? अब ऑप्शन पढ़िए आप। बोल रहे हैं टू रिड्यूस द चांस ऑफ बींग कैप्चर्ड बाई प्रीडेटर्स, विच ऑफ द एबव ऑर्गेनिजम्स रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा जीव है प्रभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये बताइए, चूहा को कभी भी आपने देखा है? चूहा क्या करेगा? भाग जाएगा बिल में, है ना, या पेड़ पे चढ़ जाएगा? कभी भी अपने को रोल करने का सोचे हैं? नहीं ना। जैसे मान लो, अरे कहीं का भी बंदर हो, कहीं का भी अगर मंकी हो, तो बंदर जैसा ही काम करेगा ना, पेड़ पे ही तो रहेगा, ऐसे थोड़ी को जमीन पे लौटने लगेगा, नहीं ना। उसी तरह कोई भी चूहा है तो उसका बिहेवियर तो एक जैसा होगा, चाहे वो मारमट है या कोई भी है। मारमट जनरली गिलहरी टाइप का होता है, आपने देखा होगा, जो हमको वीडियो भी दिखा देंगे। अच्छा, मारमट आपने देखा होगा। बहुत सुंदर होता है। ठीक है, एक ही साथ बहुत सारा चीज़ खाने लगेगा, इसको मारमट बोलते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी देंगे तो फटफट फटफट ये खाते रहेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पेंगोलिन, पेंगोलिन सबने देखा होगा, एक अस्केली एनिमल होता है, देखा होगा मतलब फ़ोटो वोटो में देखा होगा। ये जनरली आपको मिलेगा, सबके बारे में बता रहे हैं, जो आपका मारमट होता है जनरली आपको एशिया में, ठीक है, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ये मिलता है। ये आपको इंडिया में ज़्यादा नहीं दिखेगा, इंडिया में भी दिखेगा तो हिमालय और तिब्बत में दिखेगा, जिसको हिमालय मारमट बोलते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में मिलता है। ये हर्बीवोर होता है, मतलब हर्बीवोर मतलब साग सब्जी खाता है, मतलब वेजिटेरियन होता है ये। ठीक है, और IUCN में मारमट का जो स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है। क्या है? लिस्ट कंसर्न। ठीक है, तो मारमट तो होगा नहीं, तो मतलब आपका सेकंड ऑप्शन चला गया। ठीक है, आप देखो मतलब तीसरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक आपका हो गया ना, पेंगोलिन। पेंगोलिन तो सब देखे ही होंगे, स्केली एनिमल होता है, ठीक, अपने को लपेट लेता है। ठीक है, और बचा हेज हॉग, जाहक। तो आपके पास अब
दो ऑप्शन बच गया, या तो आप सी के में जाएं या डी में जाएं, ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हेज हॉग भी आपका एनिमल है, वो भी जो है अपने को बॉल के रूप में रोल कर लेता है, हेज हॉग, ठीक है। ये इंसेक्टिवोर होता है, जो हेज हॉग होता है जहाँक जो होता है वो इंसेक्टिवोर होता है, इंसेक्टिवोर, ठीक है, मतलब कीड़ा मकोड़ा ये खाता है। जो पोर्क्यूपिन होता है ना, पोर्क्यूपिन एक जानवर आप देखे होंगे, पोर्क्यूपिन ये भी उसी टाइप का होता है, ठीक है। आपको ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। याद रखिए जो हेज हॉग है, हेज हॉग या जिसको जहाँक बोलते हैं, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में नहीं मिलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका और आपका अमेरिका, ये तीनों जगह नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता है, अंटार्कटिका में और अमेरिका में ये नहीं मिलता है। कौन? हेज हॉग, ठीक है। तो हेज हॉग खुद को बचाने के लिए क्या करता है, बॉल के रूप में रोल कर लेता है, जिस तरह पोर्क्यूपिन अपने को रोल कर लेता है, ठीक है। और सांप वाँप अगर काटता भी है हेज हॉग को, तो उससे इसको कोई प्रभावित नहीं पड़ता है। उसके बाद क्योंकि इसके शरीर में कुछ होता है, तत्व होता है, तो अगर आएगा तो उसका जो जहर है उसको वो काट देता है, ठीक है। अगर पेंगोलिन की बात करेंगे तो पूरे विश्व में जनरली वज्रशलक, ठीक है। अब नाम अगर किसी को पता है, सल मतलब क्या होता है, थोड़ा छिलका टाइप का होता है ना, और वज्र मतलब हो गया पत्थर, तो पत्थर टाइप का आपको छिलका होता है इसका, अगर इसीलिए बोलता है कि हिंदी भी साथ साथ पढ़िए, ठीक है। तो ऑप्शन टू आप ऐसे ही हटा देंगे, और तीन तो ऑटोमेटिक आपको दिख ही रहा है सही होगा, ठीक है। बचा हेज हॉग, तो हेज हॉग से नाम से कुछ पता नहीं चल रहा हिंदी से, राइट। तो हिंदी वाला भी साथ साथ आप पढ़ते रहिए, आपके लिए सूटेबल होगा। जिसको हिंदी आता है वो हिंदी का भी अच्छे से प्रयोग कीजिए, क्लियर। अब देखो तो ये हो गया, अब उसके बाद देखो टोटल पूरे विश्व में 8 तरह का पेंगोलिन मिलता है, जिसमें से चाइना का जो पेंगोलिन है और या सुंडा का जो पेंगोलिन है वो जो है आपका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सुंडा का या फिर चाइना का। जो चाइनीज पेंगोलिन है ये आपको भारत के नॉर्थ इंडिया में मिलता है, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, चाइना में मिलता है, ठीक है। और जो इंडियन पेंगोलिन होता है वो क्या है दोस्तों, वो है इनडेंजर्ड, IUCN में क्या है वो, इनडेंजर्ड है। इसलिए पेंगोलिन का प्रयोग जनरली चाइना करता है, क्योंकि इसके इस पेंगोलिन से दवा बनता है, ठीक है, उसका यूज, इसलिए ये इस खतरे में है ये, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। बाकी मैंने सबको आपको बता दिया, हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में बता दिए कि IUCN क्या स्टेटस है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि हेज हॉग कैसा दिखता होगा, ताकि थोड़ा मेमोरी में रहे वो। दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जो शाही टाइप का होता है ना, उसी टाइप का होता है, देखे होंगे शाही, ये खुद को रोल कर लेता है, ठीक है। देखो रोल कर लिया, कोई पकड़ता है तो रोल कर लेता है, तो कोई इसको खाएगा नहीं, देखो कैसे गोल जैसा रोल हो गया, ठीक है। ये सांप भी इसको खाने से डरता है, रोल हो जाएगा बॉल जैसा। देखो ये रोल हो चुका, कोई अब इसको खाएगा तो कांटा गड़ जाएगा उसको। चूहा नहीं है, चूहा जैसा है ये, रोल हो गया, देखो कोई, अब देखो छुप गया है, कोई खाएगा नहीं, कांटा गड़ जाएगा मुंह में उसको, ठीक है। तो ये हुआ। और उसके बाद अगर पोर्क्यूपिन देखें, तो पोर्क्यूपिन भी जो है वो भी इसी टाइप का होता है, उसमें ज़्यादा कांटा होता है, लंबा लंबा, वो भी अपने को रोल कर लेता है। ये बदमाश होता है, देखो कितना बदमाश, नहीं मतलब वो भी होता है, इसमें भी अपने को क्या करेगा, थोड़ा रोल कर लेता है। ये भी खुद को रोल कर लेगा पूरा ऐसे, ठीक है। देखो इस तरह से
रोल हो जाएगा। ये तो हेज हॉग है, ठीक है। तो ये हुआ, प्राकृतिक बहुत सुंदर है, इसलिए देखो आप कहीं भी घूमने के लिए चले जाओ, जब आप जाओगे कहीं ऐसे एरिया में, नेचुरल नेचुरल एरिया में, तो हम लोग का मन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। आपको डिस्को में, पब में उतना मज़ा नहीं आएगा मूवी देख के, जितना आप घूमने जाएंगे प्राकृतिक जगह में, ठीक है। तो 23 का आंसर क्या हो गया? डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहा है हमारा देखो, विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, ठीक है। बोला इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन समिट इन 2014, बोला 2014 में इसको इंडोर्स किया गया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है इट इंडोर्सेस ए ग्लोबल टाइम लाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, बोल रहा है कि इसने वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पूरा वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। पहली बार देखिए, कोई भी चीज़ लीगली बाइंडिंग अगर होता है तो वो उसका कोई फिक्स टारगेट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले ये चीज़ हम लोग करके देख चुके हैं कि कभी भी जब हम लोगों ने लीगली बाइंडिंग किसी को किया है तो वो फेल कर गया है। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ? फेल कर गया, ठीक है, क्योंकि उसमें लीगली बाइंडिंग टारगेट दिया था। इसलिए पेरिस में हम लोग लीगली बाइंडिंग टारगेट नहीं देते हैं, दिए हैं क्या दिए हैं? INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्री। इंटेंडेड मतलब जो जितना करना चाहता है करो, ठीक है, राइट। इसका मतलब अभी 2014 का समय है, बोल रहा है 2014 में चलो लाया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लीगली बाइंडिंग वो नहीं होगा, मतलब 2 और 3 साथ साथ नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए इसको काटा जाते हैं। और बोल रहा है कि इसमें देखो कोई भी लीगली बाइंडिंग होगा, अगर मान लो हुआ, अगर 3 अगर मान लो हम सही मानते हैं, तो उसको सभी सरकार इंडोर्स नहीं करेगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये सब तो और नहीं करेगी, क्योंकि उसको जंगल काटना है, क्योंकि उसको फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं हर क्वेश्चन में आपको LOP अप्लाई कीजिए, लॉजिक ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल, तो आपको दिखेगा कि यार बड़ी कंपनी अगर इंडोर्स कर रही है, चलो इंडिजीनियस कम्युनिटी कर रही है, चलो तो कर रही है तो कर रही है, ठीक है। और इंडिजीनियस कम्युनिटी भी क्यों करेगी? अगर फॉरेस्ट का अगर लॉस होगा, समझ रहे हो, तो उसको भी तो फॉरेस्ट पे वो डिपेंडेंट है ना, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है कि नहीं है बताइए? जो आपका देसी समुदाय है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, तो वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात तो बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि टारगेट दे दो ताकि हम फॉरेस्ट का लॉस को रोका जाए, क्योंकि वो फॉरेस्ट पे ही क्या है, आश्रित हैं, ठीक है। तो इट इज़ इंडोर्स्ड बाय, तो अगर लीगली बाइंडिंग अगर होगा, ठीक है, तो ये लोग उसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका मतलब सरकार और करना है कि मिलजुल के सब साथ आएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सही है। इट इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन, देखिए इंडिया को क्या है, इंडिया जंगल को बचाता है, लेकिन अगर हम कोई टाइमलाइन अगर दे देगा, मान लो टाइमलाइन चलो है कि फॉरेस्ट को लॉस को कम करना है, तो इंडिया फिर थोड़ी उसमें करेगा। इंडिया ऑलरेडी देखो डेवलपिंग है, देश है, विकासशील देश है, उसको जंगल काटना ही पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया वैसे कोई भी एग्रीमेंट में साइन नहीं होता है जहाँ पे कोई भी लीगली इंडिया के लिए वो नुकसान है, ठीक है। इसलिए जंगल को अगर बचाना है तो इंडिया बचाएगा, लेकिन कोई उसमें टारगेट कर देगा कि नहीं लॉस ऑफ फॉरेस्ट को इतने साल में कम कर दो, तब इंडिया उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए ये गलत है, राइट। तो देखो जो हमारा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट आया था, ये 2014 में आया था, न्यूयॉर्क में ये साइन किया गया था, और ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इसमें मकसद ये था कि 2020 तक जितना भी जंगल का लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके लॉस को हम आधा कर देंगे, घटा देंगे आधा 2020 तक, और 2030 तक हम लोग जो इतने भी लॉस हुए हैं उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इंडिया बोला कि बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम कि ये सब में शामिल होकर अपना देश पे बंटाधार करेंगे। और इंडिया इसलिए भी दूर है क्योंकि ये जो हम लोग न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन घोषणा हुआ है आपका जंगल पे, इसमें फोकस किया जा रहा है, इसमें लिंक कर दे रहा है ट्रेड को, व्यापार को और क्लाइमेट चेंज को,
ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक कर दे रहा है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और संरचना के लिए मतलब रोड वोड बनाने के लिए अगर आप जंगल काट रहे हो या फिर व्यापार करने के लिए कुछ कर रहे हो या फिर क्लाइमेट चेंज, तो तीनों को लिंक कर दिया। तो इंडिया बोला कि भाई हमको तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा, हमको व्यापार करना ही पड़ेगा, तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, तो तीनों को अलग अलग रखो। ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जंगल काटा जाए तो वो सही है, इस तरह से इंडिया बोल रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में तीनों को लिंक कर दिया, इसीलिए इंडिया इससे दूर हो गया। ठीक है, इंडिया बोल रहा है कि जो भी ट्रेड का मुद्दा हो वो WTO देखे, आप इसको इसमें क्यों शामिल कर रहे हो आप, है ना। इसमें 150 से ऊपर देश जो है इसको इंडोर्स कर चुके हैं, इंडिया इसको इंडोर्स अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो G20 जो देश हैं उसमें से चार देश ने शामिल इसमें नहीं हुआ है, पाँच देश नहीं हुए, कौन कौन, इंडिया नहीं हुआ है, अर्जेंटीना नहीं हुआ है, मैक्सिको नहीं हुआ है, सऊदी अरेबिया नहीं हुआ है और साउथ अफ्रीका, ये पाँच देश नहीं हुए, बाकी देश हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो आंसर आपको दिख रहा होगा कि 3 और हमारा 5 नहीं है, तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, ये नहीं, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। ये अब नहीं आ सकता है, लेकिन इसका आपको जो लॉजिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा, या हो सके आपको कोई ऑप्शन में पूछ भी सकता है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट 2014 की जगह कुछ और दे दे, यूनाइटेड नेशन समिट की जगह कुछ और दे दे, तो वो याद रखना है थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, बोल रहा है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, सबसे पहले देखो मैग्नेटाइट जो है वो क्या है, आयरन का ओर है, तो बोल रहा है मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू काउज न्यूरो जेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी क्वेश्चन आप दिया जाता है तुरंत आपको LOP अप्लाई कीजिए, लॉजिक ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल रहिए। तो लॉजिक क्या बोल रहा है कि भाई लॉजिक बोल रहा है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल, आप मैग्नेटाइट की जगह आप लिख लीजिए आयरन, मैग्नेटाइट से क्या ही निकलेगा भाई, जिलेबी थोड़ी बन के निकलेगा, मैग्नेटाइट ओर है तो मैग्नेटाइट के ओर से क्या निकलेगा, पेड़ा, लड्डू पेड़ा नहीं निकलेगा ना, आयरन निकलेगा। तो बोल रहा है कि आयरन निकल रहा है तो उसके तो किस चीज़ से निकल रहा है ये हमको बताना है, बस ख़त्म कहानी। तो आयरन उस चीज़ से निकलेगा जिसमें लोहा का प्रयोग होगा, बात ख़त्म। तो बोल रहा है ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ी का ब्रेक लोहा का होता है कि नहीं बताइए, ब्रेक में लोहा से बना होता है ना, वो ब्रेक लगाओगे तो लोहा का यूज होता है ना, तो ये होगा। फिर इंजन ऑफ मोटर व्हीकल होगा, दो ऑप्शन हो गया। फिर माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम, घर में जो माइक्रोवेव का यूज करते हो आप तो उसमें भी लोहा प्रयोग होता है। ठीक है, पावर प्लांट तो होगा ही भाई, बहुत बड़ा पावर प्लांट होता है उसमें लोहा का प्रयोग होता ही आपका। ठीक है, और टेलीफोन लाइन में तो लोहा रहता ही है। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो आप बस उसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी में लिख देता कि यूरेनियम किस चीज़ से निकलेगा और उसमें एक ऑप्शन दे देता माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन में यूरेनियम निकलेगा, पागल कुत्ता काटा हुआ है किसी को कि वो माइक्रोवेव को यूज करेगा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कीजिए, लॉजिक अप्लाई कीजिए, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल, आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कोई लिख रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहाँ पे AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब से निकलता है। ठीक है, जहाँ पे कूलेंट का प्रयोग होता है, ठंडा करने का चीज़ होता है, वहाँ पे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब निकलता है, चाहे वो आपका DO हो या कहीं भी चीज़ हो, जहाँ भी कोई आग बुझाने का काम होता है या फिर ठंडा करने का काम होता है, वो सारा चीज़ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब आपका निकलता है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आपको UPSC आप तक क्या, अभी ये बताइए आप सभी लोग जनरली क्या होंगे, इंजीनियर होंगे, कोई केमिकल इंजीनियर होगा क्या, नहीं, कोई पोल्यूशन इंजीनियर होगा क्या, नहीं, तो UPSC आपसे बोल भी नहीं रहा है कि आप पारंगत
पारंगता हासिल कर लीजिए, ठीक है, पारंगता हासिल कर लीजिए, यूपीएससी आपसे बोल भी नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए लॉजिक बेसिक अप्लाई कीजिए, मैग्नेटाइट क्या होगा, वो क्या होता है, बस ख़त्म करने। हाँ, एसी भी कूलेंट यूज होता है ना, रेफ्रिजरेटर में यूज़ तो होता ही है, अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारा क्योटो एग्रीमेंट है, फिर हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके तहत, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा मोड़ा यूज हो ही रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन कोई जानवर का बारे में हो, तुरंत उसका फ़ोटो आप याद कीजिए, याद आ जाएगा आपको। और अभी जो आप द फॉलोइंग जो फिल्टर फिटर, इनमें से कौन सा निस्यंदक भोजी, मतलब फिल्टर फिटर है, फिल्टर फिल्टर मतलब फिल्टर में क्या होता है बताओ, सिंपल सोचिए, क्वेश्चन को डिकोड कीजिए। फिल्टर मतलब क्या होगा, आप ऊपर से कुछ डाले हो छन के और फिर नीचे से छन के आएगा, पानी डाले हो तो फिर छन के आएगा, वही होता है ना फिल्टर, ठीक है। तो ये भी क्या करता होगा, एक साथ पूरा चीज़ खा जाता होगा, फिर जो काम का चीज़ है वो खा लेता होगा और बाकी चीज़ फेंक देता होगा, फिल्टर यही काम करेगा ना। अब देखो कैट फिश, कैट फिश क्या है, एक मछली है दोस्तों, तो ये बताइए कैट फिश, हमने पढ़ाया भी आपको कैट फिश, बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप है कैट फिश का। ये एक तरफ का इन्वेसिव स्पीसीज भी होता है कैट फिश, है ना। तो ये तो नहीं होगा, ये तो मछली है भाई, तो खाएगा डायरेक्ट। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखे होगे सब बचपन में, अलादीन वाला देखे होगे ना, अलादीन में एक ऑक्टोपस रहता था बड़ा वाला, वो दूसरे को पकड़ के खाता था, देखे होगे ना, भागते रहता था ये सब, तो ऑक्टोपस भी तो पकड़ पकड़ के हाथ से खा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑयस्टर और पेलिकन, पेलिकन तो याद होगा फ़ोटो, पेलिकन का फ़ोटो किसको याद है, याद है कि नहीं याद है। हम बोले कि डायरेक्ट आपको नहीं पता होगा कि फिल्टर फिल्टर क्या होता है, लेकिन बाकी ऑप्शन आप देखिए ना, आपको बनेगा। पेलिकन तो आप देखे होगे, एक पक्षी होता है और मछली को टप टप खाते रहता है, तो डायरेक्ट ये खा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ, ओइस्टर। नहीं भी सीप के बारे में पता था, फिर भी बना कि नहीं बना, फोटो देख लीजिए आपको क्लियर होगा। देखो ये आपका कैट फिश है, ये तो डायरेक्ट खाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये क्या है दोस्तों, ये है आपका पेलिकन, है ना, ये पेलिकन बोल रहा है। ये क्या है आपका बताइए, ये है आपका फ्लेमिंगो। अब देखिए अब क्लियर होगा, थोड़ा फ़ोटो का थोड़ा ध्यान रखते हैं। वैसे मैंने क्या बताया कि जो आपका फ्लेमिंगो होता है, फ्लेमिंगो वो भी एक फिल्टर फीडर होता है, फ्लेमिंगो वो भी क्या करता है, एक ही साथ पानी खा लेता है, पी लेता है और फिर उसके बाद उसको फिल्टर करके जो भी चीज़ होता है वो खा लेता है, ये होता है, एक ही साथ पानी भर लेता है, ठीक है, ये फ्लेमिंगो होता है, दिख रहा है। तो फ्लेमिंगो भी क्या है, एक फिल्टर फीडर है। उसी तरह से आपका ब्लू जो वेल होता है, बैलिन वेल, एक वेल होता है मछली होता है जिसका नाम है बैलिन वेल, उसके बारे में भी देख लीजिए, वो भी फिल्टर फीडर होता है, बैलिन वेल। देखो ये भी क्या करता है, एक ही साथ खा लेता है और फिर जो ज़रूरत होता है वो खा लिया, बाकी फेंक दिया, दिख रहा है ना, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह के ये लोग होते हैं, एक ही साथ खा लो और बाकी जो यूज नहीं उसको फेंक दिया, देखो इस तरह से। देखो एक बार खा लो और उसके बाद फेंक दिया जो यूज नहीं है, देखो बैलिन वेल है, देखिए
आपका ये फ्लेमिंगो है, ठीक है, ये एक फिश है जो फिल्टर फीडर है, ठीक है। तो इस तरह से है, समझ में आ गया ना फिल्टर फीडर क्या होता है। इसके बाहर में दांत होता है, इसे खा लिया फिल्टर, उसके बाद पानी के पुछ करके हम लोग जैसे ब्रश करते हैं तो कैसे थूक फेंकते हैं, ठीक है, तो उसी टाइप से। कितना बढ़िया मुंह लग रहा है, कपिल शर्मा का शो देख के आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो, तो जो फिल्टर फीडर है वो आपका कौन कौन सा है, फ्लेमिंगो है, ठीक है, बेलिन वेल है, उसके बाद ऑयस्टर है, ठीक है, पेलिकन तो हमने देखा दिया। पेलिकन क्या होता है, एक पैर पे खड़ा होता है, मछली को डायरेक्ट खाता है। ऑक्टोपस आपको पता ही है, कैटफिश दिखाई दिए, तो आंसर क्या हो गया, ऑयस्टर। तो नहीं भी पता था तो आप इसको बना सकते थे। याद क्या रखना है, अगर आप अगली बार पूछ दे तो फ्लेमिंगो हो गया, बेलिन वेल हो गया, बेलिन वेल हो गया, और सीप, ये सब क्या है, फिल्टर फिटर है। तो ऑयस्टर क्या है, फिल्टर फिटर, ये क्या कहता है, डायरेक्ट पानी जो है इसके गिल्स के थ्रू आता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो काम करता है वो खा के बाकी फेंक देता है। फिर पेलिकन तो आपको पता है, पेलिकन के बारे में, वो डायरेक्ट क्या करता है, मछली को टप 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 खाते रहते हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो बहुत जगह मिलेगा, है ना, फ्लेमिंगो जनरली कहाँ मिलेगा, पानी वानी के नज़दीक मिलेगा, जहाँ भी पानी मिलेगा वहाँ पे फ्लेमिंगो मिलेगा, ठीक है। तो 26 का हो गया सी। बहुत लोग इसको खाता भी है, ऑयस्टर को, इसे देखने में इतना घिन लगता है फिर भी लोग खाते हैं। देखो हम फोटो दिखाते हैं, कैसा लगेगा आपको देख के, ही लगेगा उस टाइप का, फिर भी लोग दबा, आदमी कुछ भी खा जा रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा है। ऑयस्टर, ओ भाई, देखो देखने में कैसा लग रहा है, इसको आदमी खाता है थाली में परोस के, देखिए देखिए खा रहा है, क्या क्या खाए, कैसा लग रहा है, देखिए। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27 को। दोस्तों बोल रहा है, इन विच ऑफ द, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियो केमिकल, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए कहीं पे कुछ चीज़ खाने के लिए नहीं है तो वो चीज़ खा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे जो लोग आपका रहते हैं, आपका सिलिकॉन, ये सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे ठंड है, सीमा पे लोग रह रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है कि नॉनवेज खाएंगे, क्योंकि हीट रहेगा तभी फैट मिलेगा उसको, ठीक है। लेकिन भाई जो ज़रूरत नहीं, जो यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है तो क्यों खाना है उसको, सब थोड़ी जो जीव रहेगा वही बका भाग खाते जाएंगे, ठीक है ना। साउथ इंडिया मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पे सब्जी वब्जी उतना नहीं होता है, तो नॉनवेज खा रहे हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ पे ये सब चर्चा नहीं करेंगे, जिसको जो खाना खाओ बस, अच्छे इंसान बने रहिए। बोला इन विच ऑफ द, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियो केमिकल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स। देखो बायोजियो केमिकल भू जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है आपका चट्टानी और दूसरा होता है क्या उसको बोलते हैं, एक होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री होता है, ठीक है, और एक होता है आपका गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल एंड गैसियस साइकिल। कैसे साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारा साइकिल होता है, वाटर साइकिल, ठीक है। और वहीं आपका जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है उसमें आता है फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो सल्फर साइकिल होता है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें गैसियस कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन जो फॉस्फोरस साइकिल है वो पूर्ण तरह से आपका सेडिमेंट्री साइकिल होता है। ये सब बताएं थे आपको याद होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फास्फोरस साइकिल। हाँ नॉर्थ ईस्ट में लोग डॉग भी खाते हैं,
तो ये सारा चीज़ है। हमें बताया भी था भी, ये बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आप जो नोट्स हमने आपको इन्वायरमेंट का दिया है वो देखिएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब बताइए क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, 2021 में क्वेश्चन जो आया था टफ था, इसमें कुछ मतलब कुछ तो था, एक दो क्वेश्चन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आप बोल सकते हैं टफ था, एक दो क्वेश्चन और, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल। आप अगर आप एलओपी अप्लाई कर रहे हैं लॉजिक ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल तो बन जाता है, उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है ना, बस थोड़ा सा सोचना है। पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटेटिव वर्ड्स, कौन सा जो है जैव अपर अपर्दाहारी है, अपर्दाहारी मतलब जो पर पे डिपेंड होता है, दूसरे पे डिपेंड है, मृत चीज़ खा रहा है, ठीक है, तो जो चीज़ डेड बॉडी को खाए खा रहा है। अब देखो आप हमको पता, आप खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म क्या होता है बताइए, डेड बॉडी को खाता है कि नहीं खाता है, गोबर वोबर को खा के अपना बनाता है, ठीक है, तो ये तो होगा। जेली फिश, जेली फिश क्या होगा, छोटी सी जेल टाइप की फिश, तो ओरिजिनल फिश तो नहीं होता, पतला सा मछली होता है वो, के भी क्या है? वो डेड बॉडी को थोड़ी खाएगा, वो तो तैर तैर के रहता है ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है मिलीपेड्स, सहस्त्रपादी, ठीक है। अब छोटा छोटा जो होता है जैसे आपने देखा होगा कनगोजर टाइप, वो सब भी क्या होता है, डेड बॉडी और ये सब खा, कीड़ा उड़ा खाता होगा, नहीं भी पता है, चलो मान लो हम मानते हैं, चलो थर्ड ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है। अब ऐसे भी देखिए सहस्त्रपादी से, मतलब 1000 पैर वाला कोई अगर जानवर होगा तो वो छोटा ही तो होगा, बड़ा जानवर का देखे हो 1000 पैर वाला, नहीं देखे हो ना, तो कोई हाल में नहीं हो, तो वो डेटेटिवोर्स ही होगा, छोटा छोटा जो डेड बॉडी को खाता होगा, तो ये हो सकता है। फिर भी सी हॉर्स, आपने देखा समुद्री घोड़ा, ये आपका मैंने आपको दिखाया भी था, ये क्या होता है मछली टाइप का होता है, ठीक है, मैंने आपको फ़ोटो वोटो सब दिखाया था, ठीक है, ये तैरते रहता है और छोटे छोटे केकड़ा फेकड़ा को कछुआ को खाते रहता है, ठीक है, तो ये हो, ये नहीं होगा। उसके बाद वुड लाइस, लकड़ी में जो क्या लिख दिया, कास्ट युका, वुड लाइस, लाइस मतलब कीड़ा होता है, कास्ट युका, ठीक है, तो लकड़ी में जो कीड़ा होता है वो किस चीज़ को खा रहा है, लकड़ी को खा रहा है ना, लकड़ी क्या है, डेड है कि नहीं, डेड है, तो ये भी होगा, राइट। तो इसका मतलब वो 1 और 5 तो पक्का होगा, लेकिन 4 और 2 नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कटा, ये हो गया, तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया। तो आपको नहीं भी पता था मिलीपेड के बारे में, फिर भी आंसर निकला कि नहीं निकला, बताइए, निकला ना, तो इसलिए बोलते हैं कि आप हर ऑप्शन को पढ़िए और LOP अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा याद कर लो कि ये वाला चीज़ हमने पढ़ा है तो उसका फ़ोटो किस तरह से दिखता था, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जेली फिश का हम दिखा देते हैं फ़ोटो, बाकी तो हमने दिखाया है, मिलीपेड ये सब आपको पता है, कनगोजर सब दिखा ही होगा, ठीक है, उसको भी दिखा देते हैं, जेली फिश तो देखे ही होंगे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक ए वाव, वही वाला है, ठीक है, ये है जेली फिश, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट मछली नहीं होता है लेकिन मछली जैसा होता है, ठीक है, ये देखो, ये आपको लगता है डेड बॉडी को खाएगा ये, हैं, ये बैठा रहता होगा धाक जमा के, आता होगा गप के खा लेता होगा, तो ये हो गया। उसके बाद जेली फिश आपने देख लिया, ये कंप्लीट मछली नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरा सी हॉर्स हमने दिखाया है, ये आपको मिली पेड दिखा देते हैं, मिली पेड छोटा छोटा होता है ये, इस तरह से आपने देखा होगा, ये क्या खाएगा बताओ, 1000 इसको कोई इसको खाना देगा ला ला के, हैं, कोई भी चीज़ मरा हुआ वो खा लिया, डर लगेगा, अभी रात में आपको सपना आएगा, ठीक है, नहीं दिखाएंगे ज़्यादा, घिन लग रहा है देखने में, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 135, ठीक है, समझ गए। तो डेडिटिव वो जानवर होता है जो डेड बॉडी को खाता है, ये प्लांट भी मतलब ये जो होता है आपका
फंगी भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, वॉर्म्स हो सकता है, क्रस्टेशियंस होता है, मिलीपेड्स, अर्थ वॉर्म, वुड लाइस, टर्माइट, आपका डेडेटिव वो मतलब डेड बॉडी को खाता है, उसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। एक तो दो तीन तो यहीं लिखा हुआ है, मिलीपेड, वुड लाइस, अर्थ वॉर्म, ठीक है, टर्माइट, टर्माइट मतलब जो होता है कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, लकड़ी वकड़ी खाता है उसको बोलते हैं टर्माइट, दीमक दीमक, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। बोल रहा है द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, बोल रहा है यूएनईपी द्वारा समर्थित कार्बन कॉमन कार्बन मेट्रिक को किसके किस लिए विकसित किया गया है, ठीक है। मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मापना, यही पता चलेगा ना, मीट्रिक मतलब क्या हो गया, मापना हो गया, ठीक है, और कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया, तो कार्बन को नाप रहा होगा, यही मतलब हुआ ना, क्या और कुछ हुआ बताओ। अरे बायोमेट्रिक मतलब क्या होता है, आपका बायोमेट्रिक बायो चीज़ को मापा जा रहा है, देखा जा रहा है, चाहे फिंगर हो या आयरिस हो, उसी तरह कार्बन मेट्रिक में क्या करेंगे, कार्बन को नापेंगे, इसमें जलेबी नहीं बनाएंगे ना, बनाएंगे क्या, नहीं ना। तो कॉमन कार्बन मेट्रिक यूएनईपी डेवलप किया, तो देखते हैं वो कहाँ बोल रहा है नापने वापने का चीज़, तो हम लोग देखते हैं, बोल रहा है एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, और अभी से में बिल्डिंग कितना जो है जनरेट कर रहा है CO2, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है दोस्तों, पूरे विश्व में जितना भी ग्रीन हाउस गैस होता है उसके तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्डिंग सेक्टर जनरेट करता है पूरे, ठीक है, पूरे जितना भी डिमांड होता है ऊर्जा का, उसका 40% ऊर्जा जो है बिल्डिंग सेक्टर से आता है, और 33% जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपका बिल्डिंग सेक्टर जनरेट करता है, तीसरे नंबर पर है ये, ठीक है। इसीलिए तो इसमें भी बोल रहा है क्या कि आकलन करना, और ये भी कहीं कहीं बोल रहा है कि मेट्रिक मने आकलन करना, राइट, तो मतलब ये हाई चांस है कि होने का, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, इनेबलिंग द कमर्शियल फार्मिंग एंटिटी अराउंड द वर्ल्ड टू इंटर ग्लोबल एमिशन ट्रेडिंग, यहाँ पे कुछ व्यापार का बात नहीं किया जा रहा है कि ट्रेडिंग का, वो तो आपका अलग है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कॉमन एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, है ना, वो सब अलग चीज़ है, यहाँ पर ट्रेडिंग का कुछ बात ही नहीं, यहाँ तो भाई मापने का बात हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। और देखो आप लोग को भी पता है जब हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो वो नुकसान होता है, वाणिज्यिक फसलें, इसलिए हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्री, एक देश कितना CO2 को एमिशन करेगा, ठीक है, उसको नापने का तरीका है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पाचिंग के आंकड़े हेतु अधिकार देने के लिए, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाद हमको और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर बोल रहा है एक्सेस द ओवरऑल एसेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन ए यूनिट टाइम, एक बार कितना भी विश्व जो है जनरेट कर रहा है। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचा है, ठीक है, कौन कौन सा, ए, सी और डी, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में आप जो भी मारिए ये आपका उस समय एग्जाम में कैसा लक रहेगा वो काम होगा, बाकी बी ऑप्शन नहीं होगा ये हम आपको बताएं, ठीक है। और ये जो है करंट अफेयर था उस साल का, इसलिए UPSC ने ये पूछा है, ठीक है, समझ गए। तो आपको ए सी डी में से जो आपको करना करिए, आंसर इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए। मैं भी एग्ज़ाम में होता तो ए सी डी में से कोई मारता, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, आपको लॉजिक अप्लाई करके एलिमिनेट करके बनाना है। लेकिन जब भी आपको देखो तीन ऑप्शन में आपको छांटना है, ठीक है, और तीनों सेम सेम टाइप का लग रहा है, तो इस केस में हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता तो फिर आप अटेम्प्ट करते 50-50 होता, ठीक, क्लियर। और डरना नहीं है, कट ऑफ कितना गया है इस बार प्रीलिम्स का, 75 नंबर 2023 का, समझ रहे हैं।
75 नंबर किस में से? 200 नंबर में से। बहुत ज़्यादा है तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, डरना नहीं है, ठीक है? बाकी तो सही हो रहा है ना, एक दो गलत भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? और लॉजिक पे बना रहे हो, कोई तुक्का नहीं लगा रहे हो, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ठीक? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल का कट ऑफ 75 भी है, ठीक है? मतलब अभी आ जाएगा आपको, 10 15 दिन में पता चल जाएगा, हम आपको बता रहे हैं अनऑफिशियल, ठीक है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियाँ होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में बताना है, ठीक है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन वही बनाता है जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब देखो, प्रोटोजोवा, मलेरियल पैरासाइट आपने सुना है, प्लास्मोडियम, ये सब सुना है कि नहीं सुना है? वो क्या है? प्रोटोजोवा है, वो हम लोग पे डिपेंड होता है, तभी तो हम लोग को काटता है ना वो, कि नहीं काटता है? ये होगा आपको फंगस के बारे में पता है, एल्गी और फंगस लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, ये भी होगा, ठीक है? आप बचा सिनिडेरियंस, ठीक है? तो अगर आपको पता है सिनिडेरियंस के बारे में तब तो ठीक है, नहीं पता है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 2 3 तो होगा तो सही है। अब ऑप्शन बचा बी और डी में से एक आपको चुनना है, ठीक है? तो हम बाकी ऑप्शन के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों? तो जो लाइकेन है वो अल्गी और फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, ठीक है? और वहीं जो प्रोटोजोवा होता है वो टर्माइट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक है? प्रोटोजोवा टर्माइट की लकड़ी में होता है, तो लकड़ी जब ये खाता है तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो प्रोटोजोवा जो है टर्माइट को मदद करता है, जो सेल्युलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है? क्योंकि टर्माइट जो कीड़ा होता है उसके पेट में प्रोटोजोवा होता है। क्या होता है? जो कीड़ा होता है ना, जो लकड़ी को खाता है, उसके पेट में होता है कीड़ा, उस कीड़ा का नाम है ट्राइकोनी MPHA, पढ़ लीजिएगा क्या है ये, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है? एक प्रोटोजोवा है जो टर्माइट के कीड़ा में रहता है। जैसे ही ये टर्माइट लकड़ी खाता है, लकड़ी में सेलुलोज रहता है, तो ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ट्राइकोनिम्फा जो है वो क्या करता है, सेलुलोज को तोड़ देता है और मदद करता है टर्माइट को। बदले में जो ट्राइकोनिम्फा है उसको खाना मिल गया और टर्माइट भी जिंदा रह गया और उसको संरक्षण में मिल जाता है, किसको? प्रोटोजोवा को। तो ये तो होगा। उसके बाद फंगी हमने आपको बता दिया, ठीक है? अगर स्निडेरियंस की बात करेंगे तो स्निडेरियन जो होता है वो भी छोटा छोटा जानवर वो होता है, ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अलगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जिसको बोलते हैं डाइनो फ्लेजलेट्स। क्या बोलते हैं? डाइनो फ्लेजलेट्स। तो डाइनो फ्लेजलेट्स जो अलगी होता है उसके साथ सिम सहजीवी संबंध में रहता है स्निडेरियंस, ठीक है? तो निडेरियंस क्या करता है, उसको संरक्षण देता है, और अलगी है ये, तो अलगी खाना बना के निडेरियंस को देता है, तो दोनों मिलजुल के रहता है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। क्या डाइजेस्टिव नहीं है? प्रोटोजोवा जो टर्माइट है उसके पेट में रहता है प्रोटोजोवा, तो टर्माइट जो होता है लकड़ी जब खाता है, लकड़ी में जो सेलुलोज है, तो टर्माइट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये जो प्रोटोजोवा है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको मदद करता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है? तो 1 2 एंड 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही। हाँ, डाइनो फ्लेजलेट्स जो होता है वो अलगी होता है, जो निडेरियन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक है? आपका काम ये है कि देखिए, फंगस के बारे में आप तो जानते ही हैं, आपका काम ये है कि प्रोटोजोवा के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि प्रोटोजोवा क्या होता है, कैसे खाना बनाता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है?
तो प्रोटोजोआ के बारे में है कि दे आर वंस एक कोशिका जीव होता है, ठीक है, अलग अलग हैबिटेट में ये आपको रहता है, कोई फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग मतलब अपने अकेले रहेगा, और कभी कभी वो किसी के साथ मिलजुल के भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये आपने देखा, ये प्रोटोजोआ, ये सब पैरामीशियम है, यूगलेना है, अमीबा है, ठीक है, जियार्डिया है, ट्रिप्नेसोमा है, प्लास्मोडियम है, स्टेंटर है, ये सारा क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। ले लीजिए फोटो, पढ़ लीजिए, एकदम सुंदर, कितना सुंदर लगता है, बिना मेकअप लगाए सुंदर है सब। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि इसके निडेरियंस के बारे में देख लीजिए। ये होता है निडेरियंस, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा, जेली फिश टाइप तो दिया हुआ है, कुछ क्या होता है थोड़ा देख लेंगे। तो निडेरियन जो होता है, जैसे कोरल ये सब होता है, वो निडेरियंस होता है, सी एनिमोन हो गया, जेली फिश। तो देखो, जो पेशी ने इसके पहले जेली फिश के बारे में पूछा, तो जेली फिश भी क्या है, निडेरिया है। देखो इसको आप फोटो ले लीजिए, अरे भाई क्लियर आ जा, देखो इसका फोटो ले लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। आप क्या पता कल पूछ ले कि हाइड्रा क्या है, कोरल क्या है, सी एनिमोन क्या है, जेली क्या है ना, जेली फिश, ठीक है, जो पेशी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पता होना चाहिए। कोरल ये सब क्या है, निडेरियंस, ठीक, क्लियर, आप फोटो खींच लिए ना। हाँ, जेली जेली फिश परी है, इसे लड़कियां लोग आजकल जो है वो फ्रॉक पहनती है ना, परी वाला, तो ये है। चलिए, चलिए ये हुआ, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51, ठीक है, अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी बिना ब्रेक का नहीं, क्यों ऐसा, कहाँ से एनर्जी आया, तो तुलसी का पत्ता से अभी जो बनाया था उससे एनर्जी आया है ना, इसलिए हम लोग आयुर्वेद बहुत आगे है। लेकिन सब लोग क्या खाएंगे बुखार होने पे, पारासीटामोल, अभी मैं 2 गोली खाया हूँ गिलोई का, और तुलसी का थोड़ा सा वो पिया हूँ, फिर देखो ताकत। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि हाउ इज परमा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, परंपरागत, और केमिकल मतलब केमिकल यूज हो रहा है, फार्मिंग मतलब प्रेजेंट में जो आप खेती कर रहे हैं। कल पढ़ाएंगे यही, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, और कल चांस है कि आपका जो है रिसेट का भी थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है परंपरागत हम कर रहे हैं वो, और अस्थाई कृषि परमा कल्चर जो उसके बारे में। तो परमा कल्चर क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग परमा फ्रोस्ट, इसे कंफ्यूज नहीं करना है, परमा फ्रोस्ट क्या होता है, ऐसा एरिया जो परमानेंटली पानी बर्फ़ से घिरा होता है, ठीक है, जो आपका आर्कटिक एरिया के आसपास रहता है, या फिर जहाँ बहुत ठंडा रहेगा वहाँ पर ये होगा। परमा कल्चर का मतलब ये होता है जहाँ पर आप नेचर को बचा के जो है आप खेती करते हो, सब चीज़ों पे ध्यान देते हो, सब चीज़ मिट्टी पे ध्यान देते हो, पानी को प्रोटेक्ट करके रखते हो, उसको हम लोग परमा कल्चर बोलते हैं, एक तरह का समझ लीजिए ऑर्गेनिक कल्चर है, नेचुरल फार्मिंग करते हो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ये सब को बचा के, मिट्टी की उर्वरता को बचा बचा के करते हो, ठीक है, कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है, उस वेस्ट का प्रयोग कर लेते हो, है ना। तो बोल रहा है परमा कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग
मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। अभी हम लोग कौन सा फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों? कन्वेंशनल फार्मिंग। तो ये बताइए, इसमें हम लोग एक धान्य कृषि पद्धति की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, चावल गेहूँ, कहीं पे मक्का, कहीं पे ये वो, एक ही खेती हो रहा है जनरली। लेकिन वही परमाकल्चर में क्या होगा, अच्छा चीज़ है तो अच्छा चीज़ है, तो ये प्रमोट करेगा बाकी और भी चीज़ों को, और मोनोकल्चर को जो एक धान्य कृषि है उसको हतोत्साहित करता है, तो ये एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन काउज इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी, बट द ऑकरेंस ऑफ द सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन द परमाकल्चर फार्मिंग। अभी देखिए, केमिकल फार्मिंग आप कर रहे हो तो मिट्टी का जो लवणता है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि खूब सारा पानी आप सिंचाई कर देते हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, खूब सारा फर्टिलाइजर भी प्रयोग कर रहे हो, तो जिसके कारण मिट्टी का जो है फर्टिलिटी घटते जा रहा है, और मिट्टी में पानी नीचे नहीं जा पा रहा है, तो वही पानी मिट्टी के सतह पर रह रहा है, फिर भाप बन के ऊपर उड़ जा रहा है पानी, तो जो भी मिट्टी पानी में जो भी नमक था वो नमक का एक लेयर बन जाता है, और मिट्टी क्या हो जाता है, लवण था। लेकिन जब हम परमाकल्चर फार्मिंग करते हैं तो उसमें हम लोग उतना ही पानी देते हैं जितना ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। इसीलिए सॉइल सैलिनिटी का समस्या या मिट्टी का उर्वरता नष्ट होने का समस्या हम लोग को परमाकल्चर फार्मिंग में नहीं दिखता है। ठीक है। स्थाई कृषि, अब देखिए, आपको अगर नहीं भी पता था ये क्वेश्चन, फिर भी अगर आपको ये पता है कि परमाकल्चर मतलब होता है अस्थाई कृषि, अस्थाई चीज़ तभी कोई होगा जब वो सस्टेनेबल होगा, संधारणीय होगा। इतना क्लियर है? परमाकल्चर मतलब क्या हो गया, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कोई तभी होगा ना जब अच्छा से होगा तो। ठीक है। इसका मतलब उसमें हम लोग मोनोकल्चर नहीं करेंगे, क्योंकि मोनोकल्चर करने से नुकसान होता है। मैंने आपको बार बार बताया, हमेशा लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए। देखिए, ऑप्शन वन और ऑप्शन जो टू है वो लिंक है, कि अगर वो मोनोकल्चर करोगे तो मिट्टी में लवणता भी मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा, पानी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आएगा, है ना। और वही परमाकल्चर से मिट्टी की उर्वरता भी मेंटेन होती है, पानी का समस्या कम होता है। उसके बाद बोल रहे थे ऑप्शन ये जो है दूसरा जो है वो सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट परमाकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजली पॉसिबल इन सच रीजन। देखिए, कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए, केमिकल फार्मिंग के लिए भी केमिकल चीज़ यूज होगा, मतलब वो नेचुरल चीज़ नहीं है, नेचुरल नहीं है मतलब आर्टिफिशियल है। अगर कोई आर्टिफिशियल कर रहे हो तो सेमी एरिड रीजन में नहीं होगा, ऊँट जो है वो आपका मरुस्थल में रह लेगा, शेर मरुस्थल में नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली जो है हम उसको वहाँ पर रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है। उसी तरह से सेमी एरिड रीजन में आप केमिकल फार्मिंग नहीं कर पाओगे, केमिकल फार्मिंग के लिए खूब सारा पानी चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने किया तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने नहर वहर बनाए, तभी जाके ट्यूबवेल के द्वारा और नहर के द्वारा सिंचाई किए, है ना, जिसके कारण वहाँ पे सॉइल सैलिनिटी की समस्या हुई। सेमी एरिड क्षेत्र में आप केमिकल फार्मिंग नहीं कर पाओगे, वहाँ पर परमाकल्चर फार्मिंग कर लोगे, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर खेती करते हैं परमाकल्चर में। इसीलिए ये जो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव, ये गलत है, आसानी संभव नहीं है, खूब सारा पानी चाहिए इसमें। उल्टा बोल रहा है कि परमाकल्चर अगर लिखता कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी संभव है तब ठीक होता, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से फसल उगाते हैं, जहाँ पे जौ बाजरा का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे जौ बाजरा उगाएंगे, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो एज इन कन्वेंशनल फार्मिंग। सही बात है। जो मल्चिंग मतलब क्या होता है, खेतों को सूखे हुए मतलब घास से ये सब भर दे, ढक देना, ताकि सॉइल का मॉइस्चर जो है आर्द्रता लॉस ना हो, भाप बन के ना उड़े, उसका इरोजन ना हो, और प्लस खरपतवार का ग्रोथ ना हो, वीड्स का, और वीडिसाइड की ज़रूरत हमको कम पड़े। ठीक है। तो ये जो है वो सही है। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। मनीषा पूछ रही है, सर ऊँट बिना रेगिस्तान के भी रह सकता है ना? रह सकता है, लेकिन रेगिस्तान जैसा उसको परिस्थिति चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा, अगर कोई पूरी घूमने गया होगा तो समुद्र के किनारे ऊँट पे घुमाते हैं बैठा के। ठीक है। तो वहाँ समुद्र के किनारे भी बालू है ना, तो बालू में ही घूमता है वो, रोड पर नहीं चल पाएगा वो। ठीक है। और इसलिए वो, और वो ठंडा एरिया में भी नहीं रहेगा, गर्म एरिया में चाहिए। यह है कि पैसा कमाने के लिए आदमी जो है उसको मरुस्थल से ले जाके शहर में घुमा के पैसा वैसा लेते हैं, लेकिन जनरली वो शहर में नहीं रह पाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 59 है, बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में धनाधन क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है क्लाइमेट के अनुसार आप खेती करोगे, जैसा कि जलवायु रहेगा, जितना जिसको पानी चाहिए, जैसा मिट्टी चाहिए, उसके अनुसार आप खेती करोगे, उसको बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसलिए भारत सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रहा है, तो उसी के बारे में हमारा प्रश्न है। बोल रहा है कि द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। बोल रहा है कि क्लाइमेट हमारा जो स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहे द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड क्वार्टर इन फ्रांस। बोला फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है ये जो इसका संस्था। देखो, हर क्वेश्चन में लॉजिक ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए। अब देखिए ऑप्शन वन जो है इसमें आप लॉजिक अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाइमेट बोल रहा है कि इसको क्लाइमेट जो CCAFS है वो लेके आया है। ठीक है, हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नाम से तो पता चल रहा है, हो सकता है, लेकिन FAO भी तो हो सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको UNEP भी तो कर सकता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन FAO तो कर ही सकता है, राइट। इसमें लॉजिक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना भी है और किसमें LOP अप्लाई नहीं करना है वो भी ध्यान रखना है, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये बोल रहा है कि CCAFS का हेड क्वार्टर फ्रांस में, इसमें आप क्या लॉजिक अप्लाई करोगे? कोई लॉजिक अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो ये भी जो है लॉजिक हम अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, फिर बोल रहा है द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द रिसर्च सेंटर्स। ये हम अप्लाई कर सकते हैं कि बोल रहा है कि वन ऑफ द रिसर्च सेंटर, बहुत रिसर्च सेंटर भारत में, बहुत सारे रिसर्च सेंटर होगा पूरे विश्व में जो CGIAR के अंदर काम करता होगा इसके अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहा है तो भारत में भी ये रिसर्च करता होगा, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो, ये आपका लॉजिक के आधार पर सही हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वन और टू जो है वो कम्प्लीटली फैक्चुअल है। थर्ड तो हमारा हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये चलो कहीं ना कहीं जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन वन एंड टू कम्प्लीटली फैक्चुअल है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जिसको नहीं पता है वो छोड़ सकता है। वैसे इसका जो सही आंसर है वो तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो किन क्वेश्चंस को छोड़ना है वो भी हमको ध्यान करके बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में लॉजिक सर बोले हैं, लॉजिक ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल लगाइए, तो सब लगाइए, इसको लगाइए, लेकिन जो क्वेश्चन पूरा फैक्चुअल हो रहा है उसमें ये नहीं लगेगा। ठीक है, और उसमें भी लगेगा उन ऑप्शन में जो थोड़ा हमें फैक्चुअल मतलब लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, तो आप बाकी ऑप्शन के बारे में देख लीजिए। देखो, जो हमारा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है दोस्तों, इसको लागू किया गया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, और किसके सहयोग से? तो CIMMYT के द्वारा। CIMMYT क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। क्या है? इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, और इसको CCAFS जो है सहयोग किया है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज को लागू करने में। इसके द्वारा किसान का जो लोकल नॉलेज है, जो जानकारी है किसानों को, उसको वैश्विक जानकारी के साथ हम लोग को लिंक जो है करना है, ताकि किसान का आय भी बढ़े और उसका उत्पादन भी बढ़े और ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जो हमारा CGIAR है ना,
कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में है। इसमें टोटल 15 रिसर्च सेंटर्स हैं। इंडिया भी इसका एक रिसर्च सेंटर इसका भी आता है, ठीक है। और ये एक तरह का एनजीओ है, क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इतना हो गया। इसमें पूरे विश्व के तकरीबन 8,000 से अधिक साइंटिस्ट लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि विश्व को कल्याण की ओर ले जाएं, ठीक है। अगर हम बात करें इकरी सेट के बारे में, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। इसका हेड क्वार्टर जो है ICRISAT, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, कोई गेस भी नहीं कर पाएगा। इसका हेड क्वार्टर है आपका तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना। तेलंगाना का एक जगह है जिसका नाम है पटन चेरू वो, ठीक है, पटन चेरी वो तेलंगाना जो इंडिया में जगह है उसका है, वहीं पे इकरी सेट का हेड क्वार्टर भी है, ठीक है, मतलब वहीं पे स्थित है, ठीक, क्लियर। तो 59 का आंसर क्या हो गया, डी। तो आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चंस UPSC पूछ तो रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल है। अभी तक हमने देखा तो 3-4 क्वेश्चन हमें फैक्चुअल दिखा, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही दिखा जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें हमें नहीं पता है, लेकिन बाकी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि लॉ POL का अप्लाई करके, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का अप्लाई करके वो बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि लीफ लीटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, बोल रहा है कि पत्ती कूड़ा जिसको लीफ लीटर बोलते हैं किसी अन्य बायोम की तुलना में तेज़ी से विघटित होता है। कोई अगर बहुत तेज़ी से विघटित हो रहा है तो मैंने पहले ही बताया उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब खुद सोचिए कोई चीज़ अगर आप बाहर रखे हैं, दूध है, दूध को बाहर रखे हैं तो गर्मी के दिनों जल्दी फट जाता है, ठीक है, वही फ्रिज में रख दोगे तो क्या होगा, क्या होगा। अभिषेक शुक्ला, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, पूरा पढ़िए, अपने से मत बता दीजिए आंसर, पूरा पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है पानी बहुत ज़्यादा होगा और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से सड़ेगा, है ना। फ्रिज में रखोगे नहीं सड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में जो है टेम्परेचर ठंडा है, ह्यूमिडिटी उतना नहीं है, सूखा है, ड्राई है, ठीक है। तो समझ गए, तो लीफ अगर लीटर अगर डिकम्पोज हो रहा है फास्टर एनी उस एरिया में तो जहाँ पे पानी अधिक मिल रहा है, तो बताइए इन ABCD एरिया में कहाँ पे हमको ह्यूमिडिटी भी अधिक है और पानी भी अधिक मिल रहा है, बताइए। मैंग्रोव में चलो ह्यूमिडिटी ठीक है, पानी ठीक है, इसमें हो सकता है। आगे देखते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होगा, ड्राई डेसीडियस में क्या होगा दोस्तों, पानी नहीं होगा उतना, ठीक है, तो वहाँ पे उतना आपको लीफ लीटर जो होगा डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये तो कोई हाल में नहीं होगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, जहाँ पे बर्फ़ होता है, बर्फ़ मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमारा ऑप्शन C और D बचा, हम आगे और देखेंगे। फिर बोल रहा है एज ए रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफ एन ऑलमोस्ट बेयर, अगर मिट्टी, हमने बताया भी था आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो अंडर कवर होता है वो खाली होता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी जो होती है उर्वरता उतनी नहीं होती है, और प्लस क्या होती है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, और मिट्टी का टॉप लेयर क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि जो भी पत्ता गिरता है वो डिकम्पोज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम ट्री, बोला ट्री के अलावा वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी, जहाँ ही कैनोपी आ गया आप समझ लेना कि कौन सा वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग हाइट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट मिलते हैं, और हर प्लांट चाहता है कि एक हाइट तक पहुँचना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश टॉप पे मिलेगा, इतना घना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन पे नहीं पहुंचता है, इसके कारण पौधा जो होता है वो हाइट पे जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण पौधों में कंपटीशन होता है, और कुछ पौधा हाइट पे जाएगा, कुछ पौधा इस हाइट पे गया, कुछ इस पे गया, कुछ इस पे गया, कुछ इस पे गया, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको एक लेयर टाइप का दिखेगा जिसको हम कैनोपी बोलते हैं। जो पौधा प्लांट होता है, पेड़ पौधा होता है, उसका जो टॉप लेयर, इसको हम लोग कैनोपी बोला जाता है, टॉप लेयर ये वाले को क्या बोलते हैं, इसको कैनोपी। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग आपको कैनोपी मिलेगा, ठीक है, और अलग अलग टाइप के हमने बताया कि प्लांट्स उसमें मिलते हैं, जैसे एपीफाइट मिलता है, एपीफाइट वो प्लांट होता है अधिपादप जो प्लांट से लटका रहता है सपोर्ट के लिए, ठीक है, और अपना खाना खुद बनाता है। फिर कुछ रूटेड प्लांट होता है, रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेज ऑफ ट्री, कुछ प्लांट होंगे जो पेड़ पौधा ऊपर में, यहीं से कोई पेड़ पौधा पेड़ निकल जाएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का,
ठीक है, मैनग्रोव के बारे में क्या है कि मैनग्रोव जो पौधा होते हैं वो सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है, मिट्टी जो नमक को वो सह लेता है, प्लस जो कि मिट्टी में पानी में ये होता है मैनग्रोव, ठीक है, इसीलिए इसका जड़ जो है क्या होता है, मैंने बताया था ना, न्यूमेटो फोर्स होता है, क्या होता है, न्यूमेटो फोर्स, इसका जड़ जो होता है पानी में जाएगा तो हवा में इसका जड़ ऐसे करके निकल जाता है ताकि ऑक्सीजन यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाए, ये सब हमने आपको पढ़ाया था। हाँ ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, तो आंसर क्या है 60 का डी, ठीक है। तो हम जितना आपको बताए हैं क्वेश्चन उसी से आपको प्रीलिम्स में पूछा है, कुछ डिफरेंट उतना नहीं है, कि अगर अभी तक हमने जो है लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 18 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपने देखा कि 18 क्वेश्चन में से 14 से ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपका जो हमने नोट्स आपको पढ़ाया या जो हमको आपको नॉलेज दे रहे हैं उसी का यूज करके बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन तो टफ आएगा ही आएगा, तो उसके बारे में क्या सोचना, बाकी तो बन रहे हैं ना, और कोई कितना भी पढ़ा ले यूपीएससी का, 100 से में से 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। हम इतना आपको आसानी से बता दे रहे हैं कि आप 110 नंबर तक आसानी से प्रीलिम्स में ले आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा था, वेजिटेशन ऑफ सवाना, ये इधर गया 61, ठीक है। और ये जो है अभी का आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 19 क्वेश्चन आए हैं तो लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहे थे वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड, नाम में ही बोल रहा है सवाना कहाँ है, अफ्रीका, और सवाना टाइप ग्रासलैंड इंडिया में भी मिलता है जहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है। बोल रहा है सवाना वेजिटेशन में स्कैटर्ड स्मॉल छोटे छोटे पेड़ भी हैं और मेनली घास होता है और बीच में छोटा छोटा पेड़ भी होता है घास के मैदान के साथ, बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्री, लेकिन बड़े बड़े आपको क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पेड़ नहीं होता, मतलब घास ही होता है ज़्यादातर, बोल रहा है छोटा छोटा पौधा होता है। बोल रहा था फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कंडीशंस सम कंडीशंस, बोल रहा है ऐसे क्षेत्र में सवाना क्षेत्र में जो जंगल का विकास सामान्यतः एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब जंगल नहीं हो पा रहा है। बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस, क्या ऐसी परिस्थितियों निम्नलिखित में से कौन सी है, क्यों जो है कौन सा कंडीशन के कारण पेड़ पौधा नहीं हो पा रहा है सवाना में, घास के मैदान ही क्यों दिख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। सवाना आपको मेनली अफ्रीका में तो मिलता ही है, अब सवाना का ग्रासलैंड इंडिया में भी सवाना का ग्रासलैंड मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्लांट एनिमल वहाँ पे मिलता है जो उसको सिचुएशन रहेगा, जैसे आर्कटिक टाइप का प्लांट है वो आर्कटिक में तो मिलेगा ही लेकिन इंडिया में भी मिलेगा हिमालय में जहाँ पे ठंडा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखो हमको बोल रहा है कि जंगल घास तो है, घास है लेकिन जंगल नहीं है, आपको पता है ये है अफ्रीका, ठीक है, ये है इक्वेटर विषुवत रेखा, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है ना, ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है, यहाँ के आपका घास का मैदान दिखेगा और यहाँ पे क्या दिखेगा मरुस्थल, और इक्वेटर के पास क्या दिखेगा वर्षावन रेन फॉरेस्ट, तो बोल रहा है जंगल नहीं है, घास का मैदान है जंगल वहाँ पे नहीं है। तो बोल रहा है कि बोरोविंग एनिमल एंड टर्माइट, बोल रहा है बिल की बिलकारी प्राणी, ये बताइए और दीमक या बिलकारी होगा तो क्या होगा उसे, कि जंगल को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, कोई लॉजिक है इसका बताइए, आप अप्लाई कीजिए POL प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लॉजिक, कहीं भी जो है आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि उसमें पेड़ पौधा है जिसके कारण आपका ये सब अगर हो रहा है, आपका बिल बनाने वाला एनिमल चूहा हुआ हो रहा है तो क्या होगा उससे, कोई है, अगर चूहा अगर घास का मैदान को नुकसान पहुंचा सकता है तो जंगल को भी कर सकता है, तो खाली चूहा हुआ से थोड़ी आपका हो रहा है, ख़त्म कहानी, फायर आग लग जाएगा दोस्तों, अगर घास वास में तेज़ी से आग लगता है आपने देखा होगा ना, जंगल में आग उतना नहीं लगता है, ठीक है, तो क्या होगा घास, और घास जो होता है एक दूसरे को रगड़ते रहता है रगड़ते रहता है, तो जब जब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन हवा चलेगा फ्रिक्शन होगा तो उसके कारण क्या होता होगा, आग लगने के कारण जो पौधा थोड़ा सा बढ़ता भी होगा तो आग लगने के कारण वो नष्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस थोड़ा सा सोचना था और कुछ नहीं है। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो आगे ऑप्शन पढ़िए,
ग्रेजिंग हार्बीवोर, ये बताइए अगर हार्बीवोर है जो चरने वाला जानवर है, तो यहाँ पे मान लो घास था, घास ठीक है, घास है, और यहाँ पे पेड़ भी का पौधा भी छोटा सा था, तो जब घास चरा तो पौधा भी चरा गया ना, पेड़ वाला तो पेड़ ख़त्म हो गया, राइट। तो ये तो होगा ही, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा ही, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दो ऑप्शन क्या, थर्ड होगा। आंसर निकल गया आपका डायरेक्ट 2, 3, 4, ठीक है। और वैसे भी देखो सीजनल रेनफॉल, जंगल के लिए खूब सारा पानी चाहिए, अगर मौसम मौसमी वर्षा होगा, गर्मी में वर्षा होगा, ठंड में नहीं होगा, बरसा बरसात में नहीं होगा मान लो, या बरसात में होगा गर्मी में नहीं होगा, तो सीजन पेड़ पौधा के लिए सालों भर पानी चाहिए अच्छा खासा, ठीक ठाक, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा तो होगा ही, मतलब 3 एंड 4 पक्का होगा, तो आपका बस एक ही ऑप्शन है 3, 4, C, बाकी कोई ऑप्शन आपका नहीं है। और सॉइल का प्रॉपर्टी, अगर घास उग जा रहा है तो जंगल उगने में क्या दिक्कत है, घास के लिए तो चलो मिट्टी खार अच्छा होना चाहिए, जंगल के लिए तो पेड़ उसका, जैसे जंगल का जड़ बहुत नीचे तक जाता है ना, जंगल में पेड़ जो होता है, तो मिट्टी के प्रॉपर्टी से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं पे अगर जंगल नहीं हो पा रहा है, घास है, इसका मतलब वहाँ पे पानी कम है, हो सकता है वहाँ पे आपका जो है आग लग जाता होगा, या हो सकता है ग्रेजिंग एनिमल्स वहाँ पे होगा, है ना, बारिश कम हो रही होगी, इस तरह से। अब खुद सोचिए, आप नहीं भी आपको अगर दिमाग लग रहा था, तो ये अफ्रीका, जहाँ भी आपको थोड़ा सा लग रहा है सवाना कहाँ है, सवाना तुरंत भाई अफ्रीका में, कहाँ पे है भाई, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वर्षावन, मतलब वर्षावन में सालों भर बारिश, यहाँ पे सीजनल रेनफॉल घास में, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो पक्का होने वाला है, ठीक है। और हर्बीवोर तो नॉर्मल चाहिए, थोड़ा सा अब यहाँ पे लिख भी दिया है ग्रेजिंग, कुछ हर्बीवोर होगा जो चरता नहीं होगा, बैठा रहता होगा, या कुछ यहाँ पे ग्रेजिंग मतलब चरने वाला हर्बीवोर है ना, जैसे फाइटोप्लैंकटन, वो भी तो हर्बीवोर होता है ना, लेकिन वो तो समुद्र में रहता है, ठीक है ना, लेकिन लिख दिया चरने वाला, चरने वाला तो पेड़ों पेड़ों को चर जाएगा, तो पेड़ फिर बड़ा पेड़ कैसे बन पाएगा वो, राइट। नहीं, घास खा जाएगा तो घास उग जाएगा ना, घास तेजी से उग जाता है ना, और घास पूरा थोड़ी जड़े से खा जाएगा, और जड़ से खा भी गया तो घास तो तुरंत हो जाएगा। सॉइल का प्रॉपर्टी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मिट्टी के प्रॉपर्टी से पेड़ पौधा थोड़ी जिन, अगर घास कहीं पे हो जा रहा है, घास तो ऐसे ही नाजुक रहता है, अगर कहीं घास उग जा रहा है तो पेड़ भी तो उगने में क्या दिक्कत है इसको, ठीक है ना, इसीलिए मिट्टी प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है पूजा, समझ गए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं कि ये जो हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये आपका दिमाग खोल दिया होगा कि किस तरह से हमें सोचना है, और आपका एनालिटिकल स्किल वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा होगा, ठीक है। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी हमारे पास लंबा समय है, आपको पारंगत बना देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस जो आप हम बताते हैं उसका नोट्स आप बना के उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, और हंसते हुए पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। कल का क्लास हम बता देंगे टाइमिंग उसका, कल हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही PYQ करेंगे, हिस्ट्री का जो बचा हुआ वो कर लेंगे, और CSET का भी हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।